तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बचा लो। मुझे बचाना और सजा देना ही नहीं मालूम है, मैं त्रिमूर्ति की तरह पैदा भी करता हूँ, पालन पोषण भी करता हूँ और वक्त आने पर उसे खत्म भी करता हूँ। फिर भी आपसे एक विनती है, नेताओं के सफेद पोशाक ने हमें भी इस समाज में आगे आना है। ओहो, आप तो जानते हैं मैं गांधीवादी हूँ। नमक सत्याग्रह और अन्य सत्याग्रह में मैंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के हिस्सा लिया है। मैं अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम जैसे चोरों का साथ कभी नहीं दूंगा। सच्चाई का नारा लगाकर तुझे क्या मिला बोल? इतना ही नहीं, इस देश ने तुझे क्या दिया? लाखों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखो, आप जैसे महान देशभक्त से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। हमारे जैसे लोगों के मेहनत से कमाए गए पैसों से ही तुम्हारे नेताओं की गाड़ी, बंगला, यहाँ तक के पहनने वाला कपड़ा भी खरीदा जाता और उनके चमचों का भी। तुम्हारे वोट पाने के बाद जो नेता बन के गुंडागर्दी, आतंक और अत्याचार वो लोग करते हैं, उसका 10% भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं है। क्योंकि तुम्हारे उन नेताओं को हराम का खिलाने के लिए हमें पैसा जो इकट्ठा करना होता है। ये अपने आप को गांधीवादी बता रहा है, सब गलत है। ये नालायक नेताओं का चमचा है। उस जंगल राज का जो तुम्हारा सरदार है वही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम उसका क्या, उसकी माँ का भी विश्वास नहीं करते। बोलो, तुम हमारा साथ दोगे नहीं? वरना तुम्हारी लाश भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मेरा विश्वास अटल है। तुम लोग तोप के सामने रखकर मुझे गोले से भी उड़ा दो तब भी मेरा विश्वास नहीं टिका सकते। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मालिक, मुझे सीएम आ गए। आ रहा हूँ। और सुनो, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जिस तरह पापड़ सेकते हैं उसी तरह इसकी सिकाई करो। चलो। नमस्ते, आइए आइए, आप तो ईद का चांद हो गए। अरे भाई, ये मेरा पैदाइशी गांव है। बड़े दिनों के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, इस राजनीति में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रेस वालों का, टीवी वालों का, सवालों का जवाब देते देते जीना दुभर हो गया है। आप कैसी हो बहन जी, ठीक हो? जी हाँ। ये गोविंद की पत्नी है ना? जी हाँ। अच्छा, इस वक्त ये एक खास पोजीशन में है। हाँ। नेता जी ने हार खरीद कर इसे तोहफे में दिया है। आपको याद? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आइए अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग यहीं आराम से बाहर बैठकर बातें करेंगे, तो फिर चलें। हाँ हाँ, आप लोग यहीं रुकिए। सच्चाई से बात करो तुम। अपने अंदर के राजनेता को छोड़ दो, मैं तुमसे एक आम आदमी की तरह ही बात करूंगा। अरे मेरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ए सुनो, नेताजी क्या कह रहे हैं? सर पर ताज पहनकर राजा बनने का कोई फायदा नहीं है, जनता के सामने बंदर की तरह और एमएलए लोगों की ख्वाहिश पूरा करने के सिवा। आज तक मैं कुछ खास कर पाया हूँ क्या? ज्यादा देशभक्ति की जरूरत नहीं, लोगों की जरूरत का काम पूरा हो जाता है, इतना काफी है। वो हमें वोट देते हैं, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए हम लोग है ना मालिक बनकर। कोई कुछ भी कर ले, आने वाले इलेक्शन में वोट हम ही हासिल करेंगे। कोई कुछ भी कर ले, आने वाले इलेक्शन में वोट के साथ साथ लोगों का विश्वास भी हम जीतेंगे। ओ जंगल राज, क्या तुम्हें पता है, एक बात बताऊं, तुम्हारे आपस के झगड़े की वजह से उस कमिश्नर को हमें सस्पेंड करना पड़ा। उसे सस्पेंड नहीं करना था बल्कि लात मारनी थी। मेरे साथ खेल खेल रहा था वो कमिश्नर। भाई सुना है नई कमिश्नर कोई लेडी है? अच्छा, कौन है? पूरी दिल्ली को हिलाकर रखने वाली उस देवी का नाम नहीं सुना? वो है श्रीदेवी। उसका पहला पोस्टिंग यहाँ है, वो केरला में आ रही है। अब वो देवी हो या देवता हो, चार्ज लेने से पहले मेरे बारे में उसे समझा कर उसे मेरे फेवर में करना होगा। और इस काम में आपकी मदद चाहिए मुझे। मुख्यमंत्री और मंत्री को छोड़कर चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, भाई को देखते सलूट करे, यही भाई की इच्छा है। इसका मतलब मुख्यमंत्री और मंत्री को बनाने वाला मुकुंदन है, ये प्रेस वाले कहते हैं। क्यों, ये सच नहीं है क्या? वैसे आप भी इसे झुठला नहीं सकते। अरे नहीं, मेरे मालिक मैं मान गया, तुम ही प्यारे मालिक हो। सुनो, 12 बजे मुझे घर पहुंचना है और माँ के हाथ का बना हुआ खाना भी खाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे ये खाने पीने के लिए ही तो आपको हमने चुना है। वैसे हमारे घर में भी किसी बात की कमी नहीं है, क्यों गोविंद? जी हाँ। तो फिर नए कमिश्नर को मेरी जेब में करने का इंतजाम किसी भी तरह आपको करना होगा। जैसा कि लोग कहते हैं वो झांसी की रानी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ओके अच्छा।
मेरा मुंह बंद करने के लिए तुम लोग नोटों का सूटकेस मेरे मुंह पर मारोगे मुझे यकीन था। मुझे मिल गया। थैंक यू। बोलो भारत माता की जय। अरे अरे सुनो सुनो गोविंद जल्दी आओ और देखो मेरे पावर का कमाल। चार्ज लिया नहीं उससे पहले ही मेरी इजाजत के लिए आई है कमिश्नर। यही है वो जिसे लोग किरण बेदी और फुलन देवी कहते हैं। कोई भी देवी क्यों ना हो आपके सामने आने के बाद सब बिल्ली बन जाती है। अरे वो दूसरी जीप में कौन है? हाँ, शायद वो इसके असिस्टेंट होगी। हेलो आई एम श्रीदेवी आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस। जानता हूँ किसी भी कमिश्नर के चार्ज लेने से पहले यही रिवाज है। इसे तुम जानती हो या नहीं इसमें शक था। खैर कोई बात नहीं मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें समझा दिए होंगे। अरे हमारे सीएम ने काफी कुछ कहा है। अरे यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? सब लोग अंदर आ जाइए। yes. चलो। ये मेरे पति हैं। इनके बारे में क्या कहूँ? इनकी आदत में इंसानियत तो है ही नहीं। झगड़ा ना करने पर भी मारते हैं, झगड़ा करो तो भी मारते हैं। इसलिए सभी लोग डर के मारे इनकी इज्जत करते हैं। मर्दों को ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए तो हम सब यहाँ पर इनकी इजाजत लेने के लिए आए हैं। गिव इट। क्या ये सर्च वारंट? मैं कुछ समझा नहीं। आई एम सॉरी तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट है। क्या 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 कहा तुमने? ए गोविंद देख ये लड़की कैसा मजाक कर रही है। लगता है ये किसी गलत घर में आ गया। इंस्पेक्टर कम ऑन सर्च। रुक जा यहीं पे। तू यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। अरे खेत की मूली मुख्यमंत्री आते हैं तो इसी घर में ठहरते हैं। ये अपनी पुलिस की टोली लेकर निकल यहाँ से नहीं तो औरत नहीं देखूंगा पकड़ के ची डालूंगा। Shut up, you bloody. मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे एक इशारे पर नाचने वाले सारे राजनेता और उसके चेलों को एक पैर पर खड़े होकर तुझे सलामी देते हैं। कुत्ते की तरह तेरे आगे दुम हिलाते हैं वो सारे लोग। इतना ही नहीं यहाँ के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर तेरे आगे थर थर कांपते हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन ये श्रीदेवी जब अपनी औकात पर आ जाएगी ना तो क्या करेगी तुझे नहीं पता समझा? Get down. Come on. Get out. Come on. तू हमें नहीं जानती। चल, फिर से आओ यहाँ। अब हट यहाँ से। ये फैसला हमारी साहब करेगी। हमें यहाँ काम करने दो। Come on. चल, चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। यहाँ पर। तुम यहाँ आओ। यहाँ पर। सब देखो। तुम यहाँ जाओ। चलो। मेरे साथ ये धोखा ठीक नहीं। ये धोखा नहीं है मिस्टर मुकुंदन। ये हमारी ड्यूटी है। तेरी ड्यूटी? सुन। तेरे कमिश्नर को सस्पेंड करने के लिए मेरे भाई का एक फोन ही काफी है। भाई फोन लगाओ सीएम को। आहा, सॉरी मिस्टर मुकुंदन को कब फोन करना चाहिए ये मैं बताऊंगी। फोन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ छुपाया हुआ है। ओ बहुत भारी है। रखो इसे। हे भगवान ये दिन रात मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है। आप लोग नहीं ले जा सकते इसे। नहीं छोड़ो मुझे। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चलो पीछे बाहर निकलो सबको। नेताओं का नेता कहलाने वाला मुकुंद, राष्ट्र का भीष्म आचार्य, सद्गुण संपन्न दानवीर, तेरे इस नकली चेहरे से नकाब हटाने के लिए ये सबूत काफी है। ए ऑफिसर तू मुझे नहीं जानती है। तू यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकती। तुम्हारी इजाजत चाहिए किसे मिस्टर मुकुंद? ये सबूत काफी है उम्र भर तुम्हें जेल में सड़ाने के लिए। भद्रकाली घबराओ मत। ये भद्रकाली ये सब अपने घर नहीं लेकर जाएगी।
ये सब तुमने अपनी मेहनत से कमाया है तो कोर्ट से वापस ले लेना। कम ऑन, टेक इट। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब कुछ चला गया। देखिए, अपोजिशन की सोच के मुताबिक मेरे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 5 साल तक हम हुकूमत करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो आपको किसी पर नाराजगी हुई क्या? है, सिर्फ एक इंसान पर। कौन है वो? जो ऊपर बैठा है। सर फोन। हेलो, कौन? तेरा राहु काल। अरे अरे, दोगले वादा करके तूने मेरे साथ वादा खिलाफी किया। क्या हुआ बम्बू? अरे अरे, एहसान फरामोश, तुझे उस कुर्सी पर बैठाने के लिए कितना पैसा खर्च कर चुका हूँ तुझे पता है? उसका तूने ये सिला दिया क्यों? बात क्या है? उस लड़की ने आकर हमारे साथ क्या किया तुम्हें पता नहीं है? कौन लड़की? क्या सचमुच तुझे पता नहीं? अरे तेरे माँ की यार की दूसरी बेटी। क्या बात है, तू बता ना। बताऊंगा नहीं, वहाँ पर आकर तेरी कुर्सी की चारों टांगे हिला दूंगा। तेरी वो IPS मेरे घर पर आके जैसे गन्ने के खेत में हाथी घुसकर पूरे रस को चूस लेता है ना, उसी तरह उसने मेरे पूरे घर को चूस लिया है। मेरा करोड़ों रुपए और सोना सब उठा ले गई और साथ ही साथ मेरी जिंदगी और मौत का प्रमाण पत्र भी ले गई है। जंगल राज? क्या जंगल राज? सुनो, ये सब जंगल राज वाले का किया कराया है। मैं इंक्वायरी करता हूँ। अरे इंक्वायरी करने से क्या होता है? मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर वो लड़की मेरा सामान लौटा कर मुझसे माफी नहीं मांगी तो ए मुख्यमंत्री, तुझे मेरे चौखट पर नाक रगड़ना पड़ेगा। छी। श्रीदेवी IPS हियर। सर, आई एम द रियल श्रीदेवी IPS। व्हाट अ शॉकिंग न्यूज। आई जस्ट कांट बिलीव इट सर, बट आई जस्ट टेकन ऑफ द चार्ज सर। लेकिन वो कौन है उसे मैं नहीं जानती। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई एम CI मनमोहन चोटी SI। CI मनमोहन चोटी SI? ये कैसा नाम है, ना उसे सर है ना पैर है। सॉरी मैडम, CI मेरा इनिशियल है, दूसरा मेरा डेस्टिनेशन। ये मुकुंदन कौन है? गवर्नर, मुख्यमंत्री, सरकार और चोरों को एक साथ मिला दिया जाए तो जो बनता है वही मुकुंदन सेठ है। सारे शहर को और डिपार्टमेंट को एक साथ उंगली पे नचा कर हुकूमत करने वाला और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला इंसान है। Who is that bitch? कौन है मैडम? मेरे नाम से कोई खेल खेल रहा है। आपके नाम से कोई खेल खेल रहा है? हैं? मेरे चार्ज लेने से पहले किसी लड़की ने मेरे नाम से उनके घर पे रेड डाली। हा? उसी ने मुकुंदन के घर में चीटिंग की है। ओह, तो फिर वो कोई मामूली तो नहीं होगी। हे मेरे ईश्वर, लड़कियां शरीफ होती है ये तो सुना था, लेकिन इस कदर शरीफ होती है नहीं सुना। वो लड़की चाहे कोई भी हो, अपने आप को बड़े बड़े सूरमा समझने वाले, राष्ट्र की सेवा करने का नाटक करने वाले लोगों को अच्छी तरह का सबक सिखा चुकी है ये श्रीदेवी। वो क्या चीज है? ऐसा करने की हिम्मत करने वाली इस कलयुग में जन्मी कल्कि अवतार तो नहीं है। What nonsense are you talking? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, औरत के त्रिया चरित्र को आज तक कोई समझ पाया है भला? अमेरिका में जो हुआ था, बिल क्लिंटन को मोनिस्का लेवेंस्की ने कैसे अपनी जाल में फंसा लिया था। Stupid. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे वहाँ पहुँचना है, उसके बाद उस लड़की को इस शहर में किसी भी कोने से अरेस्ट करना है। यस मैडम। हे मेरे रखवाले भगवान, कैसी होगी ये चंबल की रानी। अरे गोविंद, क्या हुआ? लगता है हमारी धमकी ने रंग लाया। जो जो सामान यहाँ से लेकर गई थी ना, उसे लौटाने आ रही है। मुकुंद सेठ क्या चीज है उसे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं शेरू और वो गिदड़। अरे ये वो नहीं, कोई और है। तो आई एम श्रीदेवी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या कहा श्रीदेवी? अरे इसी नाम की लड़की थोड़ी देर पहले आई थी। ये क्या, खाकी ड्रेस वाली सभी लड़कियों का एक ही नाम है क्या? एक्चुअली वो चीटर है, उसने मेरा नाम लेकर आपको धोखे से लूटा है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस के ड्रेस में आकर घर में डाका डालने के लिए वो चंबल से आई थी क्या, या फिर वो चोर सिपाही का खेल खेल रही थी? मेरी समझ में आ रहा है, इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। वो भी पूरे तामझाम के साथ आई थी। ठीक है, तुम असली पुलिस वाली हो, इसका क्या सबूत? नो, आई एम द ओरिजिनल कमिश्नर श्रीदेवी IPS। असली नोट की जगह डुप्लीकेट नोट हमने कई बार देखे हैं, लेकिन डुप्लीकेट पुलिस पहली बार देख रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो सब मिली भगत लग रही है। ए गाजर मुली, तू इस मुकुंद को अच्छी तरह जानती नहीं। तुझे अगर पागलपन या नौटंकी करने का शौक है ना,
तो मैं इसी वक्त बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। Shut up! What the bloody hell are you talking? एक पुलिस कमिश्नर के साथ बदतमीजी कर रहे हो, इसलिए माफ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे नाम के साथ चीटिंग हुई है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। वरना मैं तेरी सॉरी 32 की 32 निकल कर तेरे हाथ में दे देती। यू नो, प्रमोशन के लालच में मैं यहाँ नहीं आई हूँ, इसलिए आई हूँ ताकि तुम जैसे लोगों को पनिश कर सकूं, कुछ भी हो। क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलती है उसमें मैं काफी खुश हूँ। सुरेश। यस मैडम। FIR तैयार करो। ओके मैडम। फॉलो मी। उसे लाओ। ये मुकुंद का ज्वेलरी शॉप है। हाँ जी। दिखाओ जरा। आप कौन हैं? तेरा नाम नहीं है क्या रास्कल? मैं इसके साथ नहीं, पूरी डील इसके डैडी के साथ करता हूँ। अभी 4 दिन पहले जो मैंने 4 तोला सोना चोरी किया था ना, वो मैंने इसके सामने ही इसके डैडी को बेचा था। क्यों? झूठ बोलकर हमसे बचने की कोशिश कर रहे हो? इस दुकान में अब जितना भी सोना है वो सब पुलिस कस्टडी में है। टेक एवरीथिंग। हमने कोई चोरी का सोना नहीं खरीदा, हमें फंसाया जा रहा है। मुझे अपने डैडी को फोन करना है। तेरा डैडी दुनिया के चोरों का सरदार है, नंबर 1 फ्रॉड। सिर्फ सोना ही नहीं, अब तू भी हमारी कस्टडी में है। चल। अरे इसको अरेस्ट मत करो, ये सीधा है। चल अंदर। आज पेट भर के खाना मिल गया ना पूरी बाजी। यस मैडम। मैडम ये CI मनमोहन चोटी SI को कोई भी ऑपरेशन सौंपा गया हो उससे डर के पीछे नहीं हटा मैडम। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी पुलिस? हम लोग वहीं चले क्या? उधर पुलिस ने रोड ब्लॉक करके रख दिया है, इसीलिए हमें यहाँ से आना अब पड़ा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किसी भी तरह तुम उसे बचा के निकालो। लेकिन आप, तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा इनको बेवकूफ बनाने के लिए। कम ऑन, हरिया। अरे इसे खोलो ना। चल नीचे उतर, इसको गाड़ी में बैठा के तुम निकलो। बी केयरफुल, तुम जाओ। क्या कहा? उस डकैत को मैंने पकड़ लिया तो आप मेरा प्रमोशन कर देंगी? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी मैडम। ओवर ओवर। मेहरबानी करके इंग्लिश में बात करो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, हमेशा फायदे की बात सुनता है तो मेरा पैर पकड़ लेता है। कितना भी बड़ा डकैत चीटर क्यों ना हो, CI मनमोहन SI चोटी की नजरों से बच के नहीं जा सकता। सर मैडम, ये मैडम जैसी तो नहीं लग रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगा। तो फिर कौन थी? वो दूसरी वाली है। पकड़ो उसे। यू दिस वे, आई दिस वे, फॉलो मी, यू फॉलो मी। गाड़ी फास्ट चलाओ। ये उसी की जीप है ना? हाँ। वो किसी भी हाल में यहाँ से बच के नहीं जानी चाहिए, समझ गए? जी। ए देखो वो भाग के जा रही है। देख रहा हूँ। फॉलो मी। थोड़ा रास्ता दो मुझे भी। हम लोग इसी से नीचे उतर कर फिर इसी से ऊपर आएंगे तो कैसा रहेगा? मैं पहली बार चला हूँ। क्या हुआ साहब? वो एक संजीवनी। सॉरी सर। चलो। लगता है शायद संजीवनी यहाँ से गायब हो गई। ये कहाँ जा रही है? ओ मेरी माँ।
क्या हुआ? देखो वहां पर खड़ी है। अब मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। तू मेरा भाई साइड दे थोड़ा। आजा मेरी रानी। यू आर अंडर अरेस्ट। ये तो लकड़ी की लड़की है। ये क्या बदतमीजी है? एक इन्वेस्टिगेशन है। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन? सॉरी हमें मालूम नहीं था कि ये पुतला है। सर आपने कुछ देखा? मैंने जो देखा वो तू मत देख। जा पकड़ उसे। सर वो भाग गई। मनमोहन साहब वो यहाँ है, जल्दी आओ। ए कहाँ है? कहाँ है वो? शायद बाथरूम के अंदर है, मैंने देखा है। ए दरवाजा खोल। साहब जो कह रहे हैं सुना नहीं क्या? दरवाजा खोल। मनमोहन की नजर से तू नहीं बच सकती। इज्जत के साथ बाहर आ जा तू। ये CI मनमोहन SI बोल रहा है, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। सर का प्रमोशन बाथरूम में है। एक बात बताओ सर। बताओ बताओ। जो अंदर बाथरूम में बैठे है वो आपके प्रमोशन के साथ नाइंसाफी कर रही ये है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। ए दरवाजा खोल। सर मुझे लगता है ये दरवाजा नहीं खोलने वाली। लात मार के दरवाजा तोड़ने के बाद ही प्रमोशन आपके हाथ में आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो तू दरवाजा नहीं खोलेगी? बाहर निकलो। सॉरी गलत मत समझना। पुलिस वाला होने का मतलब कुछ भी कर सकते हो। हम पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में यहाँ पहुँच गए। मिला क्या तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने की? तलाशी करते करते हम लोग यहाँ टॉयलेट में पहुँच गए। ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। ये सब इसी के कारण हुआ है। पता नहीं है यार। एक प्रमोशन की मुझे उम्मीद थी। मुझे भी। लेकिन अब लगता है डी प्रमोशन ही होगा। हेलो। हाय हाय। आई एम इंदु, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। घर में और ज्वेलरी शॉप में जो डकैती हुई थी तुम उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, है ना? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? हम जैसे जर्नलिस्ट का ऐसी खबरें ढूंढने का ही तो काम है। ये फूल जैसा चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि आप शरीफ आदमी हैं। सॉरी सर। आपका नाम क्या है? CI मनमोहन चोटी SI। CI मनमोहन चोटी SI। इनका नाम मनमोहन चोटी SI है, बाकी सब इनिशियल है। सॉरी सर। तुम्हारा स्मार्टनेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम शादीशुदा हो? अभी तक तो नहीं। वाओ, रियली? ये क्या, एक यूनिफॉर्म हाथ में भी? इस केस में तो अभी यही हाथ लगा है। मैं जर्नलिस्ट के दिमाग से इसमें कुछ मिलता है या नहीं ये देखने की कोशिश करती हूँ। शो मी। तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? जा जा के जीप में बैठ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये चेहरा मैंने पहले भी देखा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। कोई क्लू नहीं मिला। मैं चलूं? तुम कहाँ रहती हो? वो मैं नहीं बताऊंगी। इसी शहर में। You find it out। ये तो बिल्कुल मेरे सपनों की रानी लगती है। एक लड़की आकर तुम्हारे नाम पर लूट मचा रही है, अभी तक उसे अरेस्ट नहीं करने का मतलब ये सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी ये लापरवाही है। सॉरी सर। शेरनी हो, झांसी की रानी हो, यही मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। अब वो सब कहां गई तुम्हारी बहादुरी? मुकुंद सेठ कोई मामूली आदमी नहीं है, उससे दोस्ती मत करो लेकिन दुश्मनी भी मत करो। जिस दिन तुमने चार्ज लिया था उसके यहाँ करोड़ों रुपए की चोरी हो गई और उनके लड़के का किडनैप हो गया, क्या ये मामूली बात है? उसका कहना है कि तुम्हारी मिली भगत है। चीटिंग जिस किसी ने भी किया हो जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करो। इट्स माय ऑर्डर। यस सर, यू सीन ऑल माय एफर्ट्स, आई विल डू द बेस्ट। देखो मुझे हाथ मत लगाना। हाथ लगाए तो क्या कर लेगा? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? जानना चाहता है। पुलिस की ड्रेस में आकर हमारा करोड़ों का सोना और रुपया लूट लाई, उसके बाद मुझे आलाकर मार रहे हो। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? तू मुकुंद का बेटा है, यही तेरा गुनाह है। तेरी तो पूरे परिवार की कब्र में खोदूंगी। हम लोगों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे बाप ने हमारे साथ क्या किया जानना चाहता है? बताऊंगी, उससे पहले तुझे मारकर तेरी लाश तेरे बाप को तोहफे में दूंगी। एक घूंट पानी मत देने से पीने के लिए। हाँ।
किट्टू वो वाला फूल। किट्टू मैंने बड़ा वाला फूल तोड़ लिया है, अब चलते हैं। किट्टू किट्टू ये पानी। रुक जा बेटी। तुम्हारी दीदी ने तुमसे क्या बोला था अंकल? नहीं नहीं, प्यार नहीं, हमदर्दी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे सामने जो है वो दुश्मन है। दुश्मन। तुम लोग अपने मकसद से भटक जाओगे तो मेरे वर्षों के तपस्या का फल व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरे साथ चलो। बढ़िया मी, क्या हुआ रे बालू? बढ़िया मी अंदर है क्या? हाँ है। क्या है बालू? सच सच बताना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? हाँ, ये तो क्या पूछ रहा है और तुम्हें क्या कहना है? देखो, मुझसे कोई भी बात मत छुपाओ। क्या छुपाया? देखो, लात मार के निकाल दूंगा, बेवकूफ मत समझो मुझे। ए, फालतू की बातें मत कर, क्या है खुल के बता। मेरा घर मुझसे पूछे बगैर किराए पे क्यों दिया? तुमने कहा था इसलिए दे दिया। मैंने कहा था? हाँ, वो लोग तुम्हारा नाम लेकर यहाँ आए थे। मैंने कब कहा था? ये धोखा है, सरासर धोखा। धोखा है तो फिर तो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, सही है, अभी फैसला होगा। हाँ, चलो। धोखेबाज बाहर निकल। वो तुम्हारी भाषा नहीं जानते, सुनाई नहीं देता क्या? दरवाजा खोलो। अरे ये तो हमारे बड़े भाई है। बड़ा भाई? हाँ। अरे मेरे भाई। भैया क्यों विश्वास नहीं होता? बहुत ताज्जुब हो रहा है, आप यहाँ कैसे? हमें अचानक आना पड़ा। हमारी ट्रक जब मुंबई पहुँचती है तो मेरा रहना खाना सब इन्हीं के यहाँ होता है, समझ गए ना? हाँ समझ गए। मेरे पिताजी ने आप ही का नाम लेकर रूम भाड़े पर लिया है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज किस बात का, मेरा घर भी आपका घर है। बेटी तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं मानता, शायद मुंबई छोड़ने का तुम्हें अफसोस है ना भाई? कोई बात नहीं, मेरा ट्रक वापस जाएगा तो तुम मेरे साथ चलना, अंधेरी में उतार दूंगा मैं तुम्हें। शेर की तरह गरजने वाला देखो कैसा भीगी बिल्ली बना। अब तो कोई एतराज नहीं है ना, मैं जा सकती हूँ ना? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ चलो चलो। हाँ चलो सब लोग। तो भैया पिछली बार मैंने उन लोगों को मुंबई में देखा था। उन लोगों ने तुमसे कुछ कहा क्या? मैं उनसे कोई बात नहीं कर सका, जब उन्हें कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था तब मैंने उन्हें देखा था। जब उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने हाथ हिलाया। यही हमारी बदनसीबी है, वो हमारे साथ और इन बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। हाँ यही विधाता की विधि है, विधाता की विधि। जिसने आज तक एक चीटी तक नहीं मारा उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अंदर कर दिया गया। हमारे प्यारे आईजी साहब आज रिटायर्ड होने वाले हैं, इस खुशी के अवसर पर आपके मनोरंजन के लिए इस जेल का एक कैदी मुन्ना एक मैजिक आइटम पेश करेगा। मैजिक दिखाने का आज मेरा मूड नहीं है। देखो मुन्ना तुम ऐसी बातें मत करो, हमें तुम्हारा मैजिक देखना है। इन लोगों के बोलने पर मैं मैजिक दिखाने वाला कौन हूँ? तू मैजिक नहीं दिखाएगा तो वो हम पर सारा गुस्सा उतारेंगे, हमारे लिए दिखा दे। मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय। आग लगाओ। अरे तो आग भी लगा दी, जल जाएगा अंदर, जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ बच सकता है। आग लग गई, आग में से कैसे निकलेगा? इतनी गर्मी में तो जल के मर जाएगा आदमी। अरे अंकल ये तो चमत्कार हो गया। अरे
क्या हो गया? अरे वाह क्या बात है, अरे वाह बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, आंखों में विश्वास नहीं होता, वंडरफुल, बहुत अच्छा है। और एक आइटम हमारे लिए प्लीज मुन्ना। ठीक है, अब एक और आइटम दिखाता हूँ। नजरबंदी के आइटम में ये मेरा मशहूर आइटम है, रूप बदलना। देखो मेरा अगला आइटम ये है। तूने मुझे जबरदस्ती पकड़कर इस जेल में डाला कुत्ते कमीने। अरे इस कुत्ते ने तो मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, अरे कोई इसे भगाओ। कुत्ते का पेशाब सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे अरे तो भाग रहा है, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो, भाग गया। अरे पकड़ो उसको, अरे पकड़ो, अरे रुक, अरे कुत्ते रुक जा, पकड़ो, अरे 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 जल्दी जल्दी इस तरफ जा रहा है, भाग के जा रहा है, पकड़ो। ए कुत्ते रुक जा, इधर से कुत्ता गया। हाँ, वो कुत्ता गया उस तरफ, गया अभी गया। वो कमीना हम सबको बेवकूफ बना के चला गया। अरे ओ गाजर मूली, अपना पुलिस पना इस मुन्ने को मत दिखाना। आपको देखकर मैं समझ गया था कि मुंबई में प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, लेकिन इतना बड़ा मामला है अब पता चला। दिल में रखी हुई सदमे की आग को चलाए हुए 15 साल गुजर गए, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग प्यार और दोस्ती के सिवा कुछ नहीं जानते। बदले की बात यहाँ मत कीजिएगा, संभल के रहिएगा। अरे बड़ी माँ, ये तामझाम के साथ कहाँ जा रही हो तुम? जाने की तैयारी में तो ये लोग लगे हैं। तुम लोग हमारे खास मेहमान हो आज के उत्सव के। ये सब तो महालक्ष्मी की कृपा है जो तुम लोग यहाँ पे आए, है ना? हम सब लोग चाहते हैं कि आज के दिन तुम लोग यहाँ पर रुक जाओ, यही कहो ना, होने के बाद चली जाना। आप रुकेंगे तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल ठीक, आज के उत्सव में तुम लोग हिस्सा लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कठे प्यारा बड़ा नंदलाला, नंदलाला ए नंदलाला, नत कठे प्यारा बड़ा नंदलाला, नंदलाला ए नंदलाला, नत कठे प्यारा बड़ा नंदलाला, बोल सारी ब्रज की बाला, राधा है गोरी क्यों कान्हा काला, आया सबके दिलों पे वो छाया, जाने वो ही क्या उसकी माया, बड़ा नंदलाला।
क्यों काना काला नंदलाला हे नंदलाला नटखट है प्यारा बड़ा नंदलाला मोपदसा साइड हो जाओ साइड हो जाओ पीछे हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ हाँ बड़ी माँ ये लोग कौन है हाँ यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे इस बस्ती की तलाशी लेनी है क्यों क्या बात है वैसे तो आज उत्सव का सबसे बड़ा दिन है मंदिर में ऐसे वक्त पर इस कॉलोनी में पुलिस पहली बार आई है फिर भी तलाशी लेना जरूरी है ये बालू कहाँ है बालू कहाँ किसी चला को है? बुलाने की जरूरत नहीं कुछ देर के लिए हमारी मदद कीजिए आप लोग हे मेरी कुल देवता तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो क्या उस लड़के को तुरंत वहां से हटा दो ए, तलाशी होने तक तुम लोग यहीं खड़े रहोगे कोई भी यहां से अपने घर की तरफ नहीं जाएगा सर्च उस तरफ देखो आप जरा बाहर जाइए चलिए इंदु व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम घर ढूंढ लो यकीन नहीं होता मैंने ढूंढ ही लिया मेरा नसीब भी देखो मैंने आज सुबह ही तुम्हें याद किया उस दिन के बाद से आजकल मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ तो उसमें मुझे इंदु नजर आती है पास जाके देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ ये कौन है मेरी छोटी बहन इसका नाम सिंधु अरे मैं अपने बड़े ऑफिसर से मिलाता हूँ चलो चलो आओ 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 मैडम मीट मिस सिंधु फ्री जर्नलिस्ट मतलब फ्रीलांस जर्नलिस्ट है ये उसकी बहन बिंदु सिंधु आई एम इंदु शी सिंधु मैडम अगर आप चाहें तो कुछ देर इंदु के घर कम ऑन मैडम जरा सुनिए इन लोगों को आप ही समझाइए जिस घर में सिर्फ औरतें ही रह रही है वहाँ पर भी पुलिस तलाशी ले रही है पुलिस वालों के लिए सब बराबर है चाहे वो औरत हो या मर्द है ना सर वो सिर्फ तलाशी ले रहे हैं किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे गुनहगारों को ही अरेस्ट करेंगे ये हमारा कानून कमन मैडम चलो इंदु चलो हटो यहाँ से हटो हे भगवान कहीं गलती से पुलिस वालों ने उसे हमारे घर में देख लिया तो वो लोग देख लेंगे तो हम लोग लड्डू खाएंगे क्या मतलब अरे वो लोग देख लेंगे तो हमारी बोटी बोटी कर देंगे उसे सामने से निकालेंगे तो पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे किसी तरह उसे पीछे के दरवाजे से निकालना होगा अच्छा आइडिया चलो जल्दी जाओ हेलो कंट्रोल रूम एसी जनार्दन को बुलाओ यस कमिश्नर हियर नंबर 4 फ्लाइंग कोर्ट के साथ जितनी जल्दी हो सके एमएस रोड के कोंकण कॉलोनी में पहुंचो हरी अप कहां जा रही है मुझे वो अंदर जाना है सॉरी ये घर इसी कॉलोनी में होने की वजह से इस घर की तलाशी लेने भी बहुत जरूरी है भले ही तुम छोटी की पहचान की हो लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकती गो एंड सर्च क्या मुझे चोरों की तरह मार रहा है जा तलाशी ले इसके अंदर तो नहीं उस रूम में देखते हैं सर इसके अंदर तो कोई नहीं सर यहाँ तो कोई नहीं है शायद यहाँ सॉरी मेरा नाक गया उस तरफ देख नीचे देख यहाँ कोई नहीं है अरे नीचे देख रहा हूँ यहाँ तो नहीं ओह ये घर तो बिल्कुल मंदिर की तरह पवित्र है मैडम हमसे गलती हो गई कहाँ इंदु सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस लेट्स गो यहाँ से वो कहाँ गया वो बचकर निकल गया होगा इधर के लोग मुंबई वालों से भी बड़े चोर हैं है ना पिताजी वो तो ठीक है बेटा लेकिन उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था मैंने बंद किया था नहीं उसे बच के नहीं निकलना चाहिए चलो।
शिट बेटी, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दीदी आप फिक्र मत, तो बात मत कर। मैंने तुझसे कहा था ना ध्यान रखने के लिए। मैं, अब हम क्या करें? वो अगर बचकर निकल गया तो हमारा यहाँ रुकना खतरनाक है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। घबराइए मत, मैं भागा नहीं। उन लोगों को फोन करके मैंने ही बुलाया था, लेकिन बाद में इंदु, मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। तुम हमारी बचपन वाली इंदु ही हो ना? भले ही मैं दुश्मन हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ क्या बात है। नो, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुझे कहानी सुनाने नहीं लाई हूँ, बल्कि खत्म करने लाई हूँ तुझे यहाँ। तेरा और तेरे खानदान का नामो निशान मिटा कर ही मुझे चैन आएगा। ये क्या है बेटी? क्यों, दिल पसीज गया? खून देख के डरना नहीं, पानी देख के घबराना नहीं, आपने हमें यही सिखाया ना? ये हमारा दुश्मन है, ये रिश्ता जोड़कर हमें बरगला रहा है। कोई हमदर्दी नहीं करनी है इसके साथ, इसे अभी यही खत्म करना होगा या दूसरी जगह ले जाना होगा। बदलेंगे, आज रात को ही बदलेंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे के साथ वो क्या सलूक कर रहे होंगे, कि कैसे हो सकता है? आप तो नेता, पुलिस वाले, कलेक्टर सभी को जानते हैं ना, हमारे बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं वो लोग, और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना, आप क्यों चुप बैठे हैं, बताइए। छे, तुम थोड़ा खामोश रहो भाग्यवान, इस तरह रोने से क्या फायदा? तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ रही हो। अरे मेरा जो फाइल का नुकसान हुआ उसके बारे में सोचता हूँ तो तुम इंसान हो के जानवर? तुम्हारी औलाद से बढ़कर वो फाइल है? अरे कमीनी चुप रह, वो मेरा बेटा है, उसे कहीं भी छुपा के रखेंगे वो वहां से निकल के मेरे पास लौट आएगा, इसका मुझे यकीन है। लेकिन उस फाइल की कीमत तुम क्या जानो? आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उस राज का खजाना ही वो उठा ले गई है। कहीं भगवान की दया से वो फाइल बाहर निकल गई ना तो हम सबको जिंदगी भर लड्डू खाना पड़ेगा, लड्डू, है ना रे? हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला उस तुरुप के पत्ते ने। मैं मुकुंद सेठ। कौन? क्यों सेठ, आज सोए नहीं? सोया होता तो बात कैसे करता। मुकुंद सेठ, अब तुम सो भी नहीं सकोगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कौन है रे तू? तेरी मौत, समझे नहीं क्या? मैं हूँ डुप्लीकेट श्रीदेवी आईपीएस। कुत्ते की बच्ची, तू मेरे हाथ लग जाए ना तो तुझे काट पीस के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। सच बता, कौन है तू? कौन है तू और किसने तुझे यहाँ पे भेजा था, बोल। अरे तुझे कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे मेरी फाइल और मेरा बेटा वापस चाहिए। तेरा सब कुछ मैं लौटा दूंगी, लेकिन तेरे मरने के बाद उस दिन का तुम्हें इंतजार करना होगा। मिस्टर मुकुंद, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गुड नाइट। यहाँ कैसे? हर महीने की पहली तारीख को तुम यहाँ पर विवेकानंद आश्रम में दर्शन के लिए आते हो, मैं जानता हूँ। नमस्ते। तूने अपने फायदे के लिए मुझे पूरी तरह डुबो के रख दिया है? क्यों श्रीदेवी, ये ऐसा क्यों कह रहा है? सॉरी सर, मिस्टर मुकुंदन के घर में जो चीटिंग हुई है उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। मैं सच्चाई की जड़ तक पहुँच के रहूंगी। ओ, तुम पहुँच के रहोगी? अरे राघव भाई, तुमने तो कहा था कि ये कमिश्नर बहुत बड़ी शेरनी है, लेकिन अभी तक तो ये चूहिया है, चूहिया। लेकिन ये चूहिया कभी शेरनी बनेगी इसमें मुझे शक है। माइंड योर वर्ड्स। तुमसे शाबाशी लेने के लिए मैं यहाँ काम नहीं करती। सर टाइम हो गया है, 10:10 का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, प्लीज एक्सक्यूज सर। तुम्हें कुछ न कुछ हल निकालना होगा। अब एक ही रास्ता बचा। क्या? माँ के चरणों में समर्पण। याद रखो, मुहूर्त के बगैर वो कदम नहीं रखती। सब बलाएं टल जाएगी, दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और तेरे सारे दौलत भी मिल जाएंगे। देखो, मेरे सर पर उनका पैर रखवा कर मुझे दौलत नहीं चाहिए। ऐसे साक्षात देवता लोग भाई के पास बहुत मौजूद है। तो फिर तुम ही संभाल लो, मैं चलूं क्या? सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलिए। तुम लोग इधर ही रुको। सर। जी सर।
माँ के आशीर्वाद से परेशानियाँ दूर नहीं हुई क्या? सब माँ का आशीर्वाद है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मंत्रिमंडल अपना समय पूरा करेगा। माँ की भक्ति करना कभी मत भूलना। माँ मुझे आशीर्वाद दो। गोविंद, लात मारने वाले को उलट के लात मारने का अधिकार सिर्फ हमारा है। वो देख लात खुशी से मांग रहा है। वो उसका राहु काल चल रहा है। कितने का? 10। हाँ कल बुलाओ। अरे भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे एक जरूरी काम से। अरे सुन, चल मेरे साथ। अरे चल तू। तेरी तो मैं चिथड़े उड़ा दूंगा। चल तू मेरे साथ, चल चल चल। मैंने कहा चुपचाप चल मेरे साथ। काम शुरू कर दिया, तू भी उधर जा। दोनों की लाश आज मुझे चाहिए। हेलो कमिश्नर, मैम साहब मैं एक गरीब मामूली सेठ हूँ, अगर तुम मेरा सपोर्ट लोगे ना तो तुम्हारा प्रमोशन निश्चित है। हाँ बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। अरे तुम्हारी जो डुप्लीकेट है ना, तुम अभी यहाँ आओगे तो तुम उसे पकड़ सकती हो। हाँ हाँ, तेल की फैक्ट्री के सामने। मुकुंद सेठ, आपके स्वागत में फूल पेश है। क्या? हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम फंस जाएंगे। हमें रूप बदलना होगा। वो कैसे? सवाल मत करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसी करती जाओ। चलो झुक जाओ। अरे भैंस, भैंस, वो ये कैसे हुआ? सब नमस्कार। कहाँ है वो रास्कल? वो देखो, वो जा रहे हैं।
ये तो बहस है। हाँ मगर वो लोग वही है। बुलाकर मजाक कर रहे हो? हाँ मैडम वो लोग वही है। सच कह रहे हैं, वो लोग वही दोनों भैंस है। ये कैसे बदतमीजी है? मैं देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। छोड़ो मैडम, इन्हें बुरे वक्त का झटका लगा है, पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे नहीं सर, हम लोग सच कह रहे हैं, वो लोग झुके और उसके बाद भैंस बन गए। माया जाल। मैडम ये नजरबंद नाम की जादू विद्या है। कमिश्नर साहब कल उसने मुझे फोन किया था, मुझे जान से मारने की धमकी दी और काल बनकर मेरे दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे मेरी देवी माँ, वो बिल्कुल काल लगती है। अरे छोटी मालकिन आप इधर। तुम्हारी हिम्मत की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मुन्ना प्लीज एक बार मुझे किट्टू से मिलना है। किट्टू से मिली तो धुलाई। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बहन मेरी करेगी। छोटी मालकिन के दिल में क्या है तुम्हें समझ गया? अब इसी वक्त घर में जाकर और गरम गरम कॉफी बनाकर सुड़ुक सुड़ुक करके पीने में भलाई है। दिल के अंदर ना होने वाली बात होगी तो वो भी अंदर चली जाएगी। मजाक उड़ा रहे हो? अरे सचमुच में नहीं, ऐसा मुझे लगता तो मैं नहीं कहता। पकने वाली मुर्गी को अपनी कीमत मालूम है। छोटी मालकिन तुम जानती हो वो बहुत कमीना लड़का है। नहीं वो बीमार है, मैंने ऐसा सुना तो मुझे शक हुआ इसलिए। ऐसी बात है तो हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ बहुत सारे पेशेंट पड़े हैं, उन्हें जाकर देख लो। देखो दवा लेने से कोई भी बीमारी का इलाज हो जाता है, फिर लाइलाज बीमारी पालने की भला क्या जरूरत है? कहीं भूल से प्रेम रोग लग गया ना तो वो टाइफाइड से भी ज्यादा खतरनाक होगा, जान साथ में जाएगी। तुम कुछ भी कहो मैं उससे मिलकर रहूंगी। अरे भगवान ये ऐसा क्यों कर रही है? अरे रुक जाओ। छोटी मालकिन रुक जाओ, बड़े मालिक ने इस काम को अंजाम दिया है। ये सूखा हुआ गन्ना है, वो काम और इस गन्ने के बीच पिसने वाला मशीन बन गया हूँ मैं। देखो इस आग को और भड़काने की कोशिश मत करो, जानबूझकर इस तरह की गलती मत करो छोटी मालकिन, अब मेरा बैंड बच जाएगा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मर गया हूँ देखने के लिए? कितनी तकलीफ उठाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने सोचा था नहीं आऊंगी, नहीं मिलूंगी, लेकिन तुम्हारे बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। क्यों मुझसे इतनी हमदर्दी जता रही हो? तुम भी तो अपनी बहन की तरह दुश्मन समझ के बेरहम बन जाती हो, मुझे बुरी तरह पिटवा देती हो। सॉरी किट्टू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा हाथ लगते ही सब ठीक हो गया ऐसा लगता है। तुम आंख बंद करके सो जाओ, अच्छे सपनों की दुनिया में खोने के लिए मैं एक दवा देती हूँ। Oh,
ना होंगे हम जुदा, चाहे जो भी कर ले दुनिया या खुदा, अब मिलके कभी ना होंगे हम जुदा, चाहे जो भी कर ले दुनिया या खुदा। न जाने क्यों देख तुझे ये दिल धड़के, हौले हौले मेरे बाएं अंग फड़के, न जाने क्यों देख तुझे ये दिल धड़के, हौले हौले मेरे बाएं अंग फड़के। अगर तू ये मैजिक नहीं जानता तो तू क्या करता मुन्ना? फिर मुन्ना बेकार हो जाता। ये मैजिक सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, इससे मैंने कई मुजरिमों को भी ढूंढ के नहीं पकड़ा है क्या, बोलो। मान गई। फाइनल अंजाम तक पहुंचने के बाद हमें मुकुंद से भी हिसाब चुकाना होगा। उससे क्या फायदा? कमिश्नर के साथ अगर हमने मुकुंद की जंग छिड़वा दी तो उसे सच्चाई बताकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये हुई ना पते की बात। एक रास्ता है, फोन मुझे दो। हेलो, कौन है? आपका मुसीबत से बचाकर आपकी चीजों को आपको दिलाने वाला आपका हमदर्द। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गुरुराज पिल्लई। तुम्हारी तरह वो मेरा भी दुश्मन है, वो माया जाल वाला। हम दोनों एक साथ मिल जाए तो हम लोग उससे बदला ले सकते हैं। वो कमिश्नर भी उनसे मिली हुई है। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कमिश्नर के घर के हॉल में लगी राइट साइड के टेबल के नीचे खजाना छुपा हुआ है। वो भी तुम्हारी तरह रिश्वतखोर है। हम उसको रिश्वत देंगे तो वो हमारा साथ दे सकती है, लेकिन ये सब काम गुप्त तरीके से होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब कोई शक नहीं, उन दोनों में जंग छिड़के रहेगी। ये क्या बदतमीजी है, ये किसका घर है जानते हो? प्रधानमंत्री का घर ही क्यों ना हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इंस्पेक्टर, मैं हूं मुकुंद सेठ, कमिश्नर के बुलावे पर ईपीएस पिल्ला। चल। पति है आईएएस, पत्नी आईपीएस। नमस्ते। नमस्ते मैडम। बिजनेस हो या राजनीति हो, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दुश्मनी हद तक ही ठीक रहती है। इधर और उधर दोनों में आपस का विश्वास जरूरी है, यही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ। चाहे वो कोई कमिश्नर हो या कोई मंत्री हो, किसी से भी लड़ना झगड़ना मेरे भाई को अच्छा नहीं लगता। शायद ये पहली बार हुआ है ऐसा। नहीं मैडम, अगर कोई सौदा करते हैं तो उसमें सब कुछ देते हैं, तभी कुछ मिलता है। इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर आज ये कदम उठाया। कुछ भी हो, एक कमिश्नर बहुत मजबूत तो होता ही है। चल वो दे दे मैडम को।
What is this? एक छोटा सा नजराना है। What do you mean? क्यों? थोड़ा वजन कम लग रहा है क्या? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? उन चीटरों ने जितना पैसा तुम्हें दिया है उससे एक रुपया बढ़ाकर देने की हमारी हैसियत है। हाँ मैडम, अगर इसमें कुछ कम है तो आप बता दीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन वो फाइल हमें लौटा दो। फाइल? हम सब जानते हैं, यही है ना हॉल? हॉल हॉल के साथ लगी राइट साइड में एक कॉफी टेबल के नीचे, मतलब ये कॉफी टेबल। करेक्ट भाई, ये देखो फाइल हमें देख के हंस रही है। हे भगवान, मिले, जल्दी ला, जल्दी ला। हमारी हमारी फाइल मिल गई। बच गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पैसा इन्हें दे दे। ये यहाँ कैसे आई? थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए इतना गोलमाल करने की क्या जरूरत थी मैडम, हम जानते हैं। एक आईएएस और एक आईपीएस को मिलने वाले पगार से उनका कुछ नहीं होता है। हम मदद करने के लिए तैयार है ना? ए, पैसा देना। ए, अपने सारे पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अरे गोविंद, इस लड़की को मजाक करने के सिवा कुछ नहीं आता। And get out. नहीं मैडम, ये फाइल लेकर हम जाएंगे ही। यू, तेरी दादागिरी अपने मंत्री लोगों के पास दिखाना, अगर मुझे दिखाई तो बत्ती से निकाल दूंगी, समझे? गाजर मुली, बोल वचन देकर अपने आप को शेर खा कह के भागने वाले को तो तूने देखा होगा, लेकिन अगर तूने हमारे साथ नाटक किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक कमीनी, फाइल लो। अरे छीन इसे, छोड़ फाइल, छोड़ छोड़ छोड़। ए गोविंद पकड़। अरे फाइल छीन, ए फाइल छीन, फाइल छीन, छीन फाइल। तेरा घर है इसलिए तू बच गई, लेकिन याद रख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल गाड़ी निकाल, चल। वाह मुकुंद सेठ, मान लिया तुम आईपीएस हो, लेकिन पिटाई के लिए आईएएस की जरूरत पड़ती है। अरे खून, ओह गॉड, मैंने समझाया था, जहां तुम चार्ज लेती हो हाँ वहां तुम टिक नहीं पाती और साथ में परेशान मैं भी। अच्छा बता, ये कौन सा किस्सा है फाइल का? मैंने अभी तक स्टडी नहीं की, लगता है ये मामूली फाइल नहीं है। ये यहाँ पर कैसे आई, कौन लाया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, फाइल और टोपी के चक्कर में चार दिन गुजर गए, लेकिन आज का दिन इम्पोर्टेंट है। मेरी प्यारी लाइफ पार्टनर, मेरे दिल की मल्लिका, मेरी सपनों की रानी मिसेस श्रीदेवी। ओहो, शुरू हो गए। इस टेंशन में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमां हिल जाए, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे मेरा प्यार चाहिए, समझ गई? तुम जानती हो मैं ड्यूटी करता हूँ हफ्ते में सिर्फ चार दिन। इस वक्त मैं तुम्हारे जेल का कैदी हूँ। चलो कार्रवाई शुरू कर दो, चलो चलो चलो। अरे गोविंद, क्या सोच रहा है तू? भाई तुमने कुछ गौर किया क्या? क्या? वो कमिश्नर का हस्बैंड। अरे छोड़ ना, उसका चेहरा देखने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन हाथ से थोड़ा गर्म है, उसे पटा सकते हैं। ये बात नहीं है, हमारी दारू की गाड़ी चलाने वाला मुत्तू है ना, तमिल मुत्तू, बिल्कुल उसके जैसा है उसका चेहरा। कौन, तमिल मुत्तू? अरे शराब तेरा जवाब नहीं, सारे जहां में तेरी कोई मिसाल नहीं। यहाँ थोड़ा खाली कर लेता हूँ। तुम लोगों को इसी वक्त गाड़ी खड़ी करनी थी क्या? ए, जानते हो कौन हूँ मैं? इस मुत्तू से टक्कर लेने वाला सही सलामत घर नहीं जाता वापस। चलो बाहर निकल, बाहर निकल, चल। क्या बे? अरे भगवान, माफ कर दो मुझे मालिक, आप तो मुझे पता नहीं था, माफ कर दो मुझे। छोड़,
अरे गोविंद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं है। वो कमिश्नर के हस्बैंड के बाप का बोया हुआ बीज का फल है कोई। हाँ, इसको भी अपने बाप का कोई पता नहीं है। तू तो फिर उसी का है। सुनिए साहब, मैंने अपने बीवी के बारे में हमेशा तुम्हें सब कुछ बताया है। मेरी बीवी को हार खरीद कर देने का वादा आपने किया था। ए गोविंद, इसकी बीवी के खेत में तू भी हल चलाकर बीज बो रहा है ना? ये दारू पी के फालतू बकवास कर रहा है। सही है, जो भी हो हम इसका इस्तेमाल करके ये खेल खेल सकते हैं। क्यों जी, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा? हुँ? वो तो इस जन्म में नहीं भरेगा। वाकई में तुम बहुत बड़े भूखड़ हो। सच बत बताऊं, वक्त पड़ने पर थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेता हूँ, यूं ही बेकार में नहीं। वैसे तुम्हारा हस्बैंड काफी शरीफ इंसान है। क्या कहा, शरीफ हो? वो तो मैं ही जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ हो। खाकी पहन लो या कमिश्नर बन जाओ, औरत औरत ही होती है। अच्छा सुनो, मेरे दिल की रानी, जल्दी नहा कर आ जाओ। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आज का डिनर हम बाहर ही करेंगे। ओह गॉड, बाहर चलना पड़ेगा, अच्छी बात है। तुम्हें पता है ना आज मेरा छुट्टी का दिन है, और मेरी बुक भी मुझे नहीं मिली। चापलूसी की जरूरत नहीं। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। अब देखो भाई, अरे बिल्कुल वही दिख रहा है। अबे अब तेरा मूछ नहीं है, और सुन, तेरा कोई भी टपोरीपन नहीं दिखना चाहिए। नहीं, तू इस समय एक IAS ऑफिसर है, समझ गया? जो समझा है वो सब बात याद रखना, कुछ भी भूलना नहीं। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा क्या? मुझे सब कुछ पता है साहब, हिम्मत के लिए थोड़ी शराब मिल जाती तो। मुंह बंद रख। सुन, तेरी जान भी चली जाए ना, तब भी तू किसी के सामने मुंह नहीं खोलेगा। और जितनी हो सके कम बात करना। समझ गया ना? हाँ साहब। थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो हमें फोन करना। हमें रवि, कोई बहाना मत बनाना, मेरे नहाने तक तुम भी तैयार हो जाना। हाँ हाँ, वो तुम्हारे आने के बाद फैसला करेंगे, तुम नहा के पहले बाहर तो आओ। कौन? मैं हूँ साहब। हाँ, कौन है? रवि, अरे कहाँ चले गए तुम? आंख में चली खेल रहे हो क्या? रवि रवि, ये क्या रात में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? रवि, 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 क्या हुआ तुम्हें? रवि, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया? बोलो ना रवि, क्या हो गया रवि? What happened? रवि, देखो इन्हें उठाओ और अंदर ले चलो, जल्दी चलो। सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं। स्कैनिंग रिपोर्ट में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अचानक शॉक लगने से इनकी याददाश्त चली गई हो या आवाज बंद हो गई हो, ऐसा हो सकता है। ओहो, हम लोग जो बोलते हैं वो इनको समझ में आता है, लेकिन उसका जवाब ये दे नहीं पाते। बिजली गिरने से ऐसा शॉक लग सकता है, लेकिन कल रात तो कोई बिजली भी नहीं गिरी। हाँ डॉक्टर, ग्रहण के वक्त आकाश को देखने से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका इलाज तो आपके पास नहीं होगा। फिर चुप रहो छोटी। सॉरी मैडम, मेरे हिसाब से ये केस मेंटल डिप्रेशन का है। अब जैसा ट्रीटमेंट कहेंगे हम वो करेंगे डॉक्टर, आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम ले जाएंगे। वैसे इन्हें बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इनकी पत्नी होने के नाते आप इनका डिप्रेशन दूर कर सकती हैं। इस तरह की बीमारी सिर्फ प्यार से ही ठीक होती है। Uh,
मैंने आपको इतने सारे आइटम दिखाए, कम से कम एक मुस्कान तो चेहरे पर लाते। एक तो इनकी बीवी का सख्त ऑर्डर है, उनके ऑफिस से आने से पहले इनकी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। मैं कोई तांत्रिक हूँ या कोई अवतार हूँ? ऊपर वाले तूने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। सर आप थोड़ा गौर से सोच के देखिए, आप कौन हैं, क्या हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। हैं? खैर छोड़िए, थोड़ा आप अपनी पत्नी के बारे में सोचिए। नाम है श्रीदेवी, IPS हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। जरा मुझे देखिए। कोई फर्क नहीं। खैर छोड़िए, थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। मैं CI मनमोहन चोटी SI हैं। मैं CI मनमोहन चोटी SI। समझ में आया। अब मैं मैडम से कह सकता हूँ और मैडम मेरी बात मान भी जाएगी और मैं इस झंझट से छूट जाऊंगा। कहो CI मनमोहन चोटी SI। कहो कहो। कौन? बन्नर तेरा बाप है? बेचारी मैडम। हस्बैंड क्या तुम तो बेडरूम में शोपीस बनाकर रखने के काबिल हो, मैं अपना काम देखता हूँ। मेरे आने तक तुम इज्जत से यहीं खड़े रहना, नहीं तो तेरी, समझ गया, पागल कहीं का। हे मेरे प्यारे भगवान, जितने भी दौलतमंद है उन सब पर बिजली गिरती और सब ऐसे हो जाते हैं तो कितना मजा आता। किधर है वो मंदबुद्धि, अभी उसे और ट्रेनिंग देनी है। मालिक मैं हूं मुत्तू, मैंने वो फाइल हर जगह ढूंढ ली है, कहीं नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? ये तो बोलने लगा, हे भगवान मैं बच गया। सर सर आप एक बार और बोलिए, कोशिश कीजिए, बोलिए ना। ये कौन सी भाषा है? हमारे देश में ऐसी भी कोई भाषा है जो मैं नहीं जानता? भाषा चाहे जो भी हो, ये बोला तो सही, यही काफी है। ऑपरेशन सक्सेस, प्रमोशन एक्सेस। मैं इस तरह बार बार तुमसे छुप के मिलती हूँ, डर लगता है कहीं दीदी को पता ना चल जाए। जब इतना डरती हो तो मिलने ही क्यों आती हो मुझसे? पता नहीं, नहीं जानती, लेकिन दिल हमेशा यही चाहता है कि तुम मेरे सामने रहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना चाहूंगी। अब जाना है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। बड़ी बहन मुझे खत्म करने के लिए यहाँ लाई है, छोटी का कहना है मुझसे प्यार करती है, किस पे विश्वास करूँ मैं? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? कुछ भी हो जाए पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मानोगी? क्या है? कितने दिन हो गए खुला आसमान देखे, आसमान को देखने के लिए तरस गया हूँ, मुझे बाहर ले चलोगी? लेकिन अगर मुन्ना ने दीदी को बता दिया तो? तुम समझा दोगी तो मुन्ना कुछ नहीं कहेगा, कुछ देर के लिए बाहर ले चलोगी प्लीज? इरादा क्या है? स्कूटर देख के एक लालच आ गई। कैसी लालच? तुम्हें पीछे बिठाकर इस जगह थोड़ी देर घुमाने की प्लीज। अरे नहीं किट्टू। अरे बस थोड़ी देर घूम लेते हैं प्लीज प्लीज। कम ऑन कम ऑन। अरे संभल के। क्यों डर गई क्या? अरे धीरे। स्टॉप किट्टू। ए नाइ मान जाओ ना। अब नहीं रुकूंगा। ये भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे रुको 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 रुको। अरे
ये सब क्या कर रहे हो? अरे क्या मजाक है? अरे रुको रुको, अरे मैंने तुम्हें थोड़ी डील दी, मतलब ये नहीं कि तुम लोग ऐसा मत करो। देखो रुको रुको, मैं कहता हूँ किट्टू किट्टू, रुको रुको किट्टू, देखो अरे रुको प्लीज किट्टू, प्लीज किट्टू, प्लीज किट्टू स्टॉप इट, किट्टू क्या मजाक है, गाड़ी रोको। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं दूर जाकर वहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। नहीं, हम वापस जाएंगे, प्लीज प्लीज किट्टू। हमें उस जहन्नुम से बच के निकलना था। यह हमारा फार्म हाउस है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। चलो आ जाओ, लो चाबी भी मिल गई। सिंधु तुम्हें डर लग रहा है क्या? दीदी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, तुम्हारी बहन का आना तो दूर की बात है। कम ऑन कम ऑन सिंधु, कम ऑन कम। नहीं किट्टू, हम वापस जाएंगे। तुम पर विश्वास करके मैं स्कूटर पर बैठी थी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ किया, वो विश्वास पाने के लिए ही मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। किट्टू तुम क्या समझती थी, अरब सागर से कोई मुसाफिर आएगा, तुम पर फिदा हो जाएगा, पागल हो जाएगा तुम पर, ये समझती थी? मुझे कोई वहाँ से बाहर निकाल सकता था तो वो सिर्फ तुम थी, तुम। किट्टू हाँ, मैं भी मुकुनंदन का बेटा हूँ, मेरे खून में भी वही जोश और गर्मी है। मेरे बाप को नीचा दिखाने के लिए तेरी बहन ने मुझे किडनैप किया, अब तेरी बहन से बदला लेने के लिए मैंने तुझे किडनैप किया। सोना पैसा जो तुम लोगों ने लूट लिया वो तो हम फिर भी पा सकते हैं। जानती हो मैं क्या लूटने वाला हूँ? वो चीज जो एक बार लूट जाने के बाद कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो वापस नहीं मिलती, वो है तुम्हारी इज्जत। अब तेरी बहन के सीने में दहकती आग के लिए पहला झटका, मुंबई से बदला लेने के लिए दो मोहनी आई थी, है ना? किट्टू नहीं, प्लीज किट्टू नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला मैं करूंगा। प्लीज किट्टू प्लीज नहीं, नहीं छोड़ो मुझे किट्टू, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, तुम मेरी जान लेना चाहती हो। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जिस्म चाहिए। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, बचाओ। बचाओ बचाओ। नहीं छोड़ दो तुम मुझे, यहां मुझे बचाइए, पहले इसे खोलो। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? मैंने सबकी नजरों से बचते हुए डेड बॉडी को ठिकाने पर लगा दिया है। तुझे अफसोस है क्या?
दीदी, ये सब मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, प्यार में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। नसीब ही ऐसा है, जिंदगी से क्या शिकायत करें। अगले जन्म में कुछ नहीं होने वाला है, जो होने वाला इसी जन्म में होगा, लेकिन वो तो बच गया। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? और कौन, वही जो कमिश्नर का हस्बैंड है। पुलिस फोर्स के साथ वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या वो सचमुच बच गया? मैंने कमिश्नर की कार से उसको जाते हुए देखा। कैसी बात कर रहे हो मुन्ना, कमिश्नर का हस्बैंड तो अंदर है। अंदर है तो फिर जैसे मैंने बाहर जाते हुए देखा? तुम्हें यकीन नहीं ना, आओ दिखाती हूँ। अब तो विश्वास हुआ। अरे ये क्या, ये भगवान एक कैसा माजरा है। मैंने इन्हीं दो आंखों से इससे कुछ देर पहले कमिश्नर की गाड़ी से जाते हुए देखा था, कसम से बोल रहा हूँ। तुमने किसी और को देखा होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, इस सर का मैं क्या करूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इन्हीं को देखा है। मेरे भगवान, जहर को खत्म करने वालों को मैंने जहर से मरते हुए देखा है, लेकिन मेरा देखा हुआ गलत साबित हो रहा है। वही चेहरा, वही नाक। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे बिल्कुल वही लुक, कोई शक नहीं है, वही है, ये वही है। प्लीज मुझे बताइए। सर लगता है आपके घर में आपका राशन कार्ड फट गया है। आपके खानदान में या आपके बिरादरी में कोई आपके जैसा है क्या? कोई नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरा ही है। इसमें जरूर कोई धोखा है, मिलने के बाद पता चलेगा। अब तो इन दोनों की माँ से मिलकर इस राज के बारे में कुछ पता चल सकता है। ऐसा नहीं है, कमिश्नर के साथ कौन है ये पता करना होगा। सर आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से। हाँ, और आप ये खाइए। अगर इसका मन बुद्धि ठीक हो गया तो आपका प्रमोशन पक्का सर। इसी के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत? सर आपकी मनपसंद की हर चीज रख कर मैडम ड्यूटी पर गई है। सुनो, इसे खाना जरूरी है, वरना यहाँ पर एक पेटू पागल है जो सब खा जाएगा। सॉरी सर। अरे आप ऐसा क्यों देख रहे हैं सर, पहले कभी आपने ये सब नहीं देखा क्या? दूध? अरे रे, ये क्या दूध देखकर जंगली घोड़े की तरह क्यों भागने लगा? सर आदि मानव के जमाने में चले गए हैं। चुप रहे यार। जी सर। आप चाहते क्या है सर? सर आदि मानव की भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ से इशारा करेंगे तो भी चलेगा। चलो कुछ तो इशारा करके दिखाओ। ये बेल किसने बजाई? मेरा दांत टूट गया। मेरे सपनों की होने वाली मल्लिका। हे भगवान, ये होश में नहीं है क्या? ओ गॉड, आई एम इन ड्रीम। क्या कहा? मैं सपने में खो गया था, यानी ऐसे मिलने का कभी सोचा नहीं था ना। लेकिन हमने सोच लिया था। तुमसे नहीं। ये कौन है? मेरे फोटोग्राफर। ओ टन टन टन। हेलो। फूल नहीं, ये सिर्फ एक लकड़ी है। आप सपने में है, ये बात सच निकली। आपने अभी अभी तो ये कहा था। तुमने सपना देखा? किसका सपना देखा? सर का, और किसका हो सकता है? ओ माय स्वीट। अरे इसको क्या हो गया, कहीं इसको मिर्गी की बीमारी तो नहीं? अच्छा सर, आप यहाँ कैसे? मैं? आप कमिश्नर के घर पे रसोईया हैं। अंदर आ जाइए। सच कहूँ तो एक डेड बॉडी की रखवाली करना ही इस वक्त मेरी ड्यूटी है। डेड बॉडी? हाँ, मैडम का हस्बैंड, वो जिंदा होकर भी ना के बराबर है। वो रहे, राजस्थान की रेत में पानी ढूंढता हुआ पागल ऊंट। इसका एक फोटो लो। सर इसका एक फोटो ले लो। सुना ना, ये है इनकी भाषा। मुझे तो शक है कि ये मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की भाषा है। क्यों सर जवाब नहीं दे रहे हैं, जबान बंद हो गई क्या? ये शायद अपनी भाषा भी भूल गए हैं। समो चमो लमो छमल इमले जोलो मो छमला और हम चले बोल के बड़ाई अनु जलवा ला अनु जलवा ले छमला दाल में दाल बोले तो दाल में दाल में दाल में दाल में दो इतने मिले मिले दो 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 थूक लगा के उन जब प्रॉब्लम जब जब जांच मारे को दाल में
अच्छा ये बात है। अरे एक छोटी सी फरमाइश उसने आप लोगों के सामने रखी थी, आप लोगों ने वो पूरी नहीं की, इस बात का दुख है। अरे बाप रे, ऐसी क्या ख्वाहिश है, मैडम को पता चली तो मेरी टोपी उतर जाएगी। और कुछ नहीं, सवाल टोपी का नहीं, सर जाने का है। मेरा? सर आपका नहीं, इन साहब का। इनके दिमाग के अंदर कश्मकश हो रही है। दिमाग के अंदर क्या? जो इन्हें चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा। ऐसा? एक गन खोलता हुआ पानी 110 सेंटीग्रेड गर्म किया हुआ, वो पानी लेकर इनके सर पर ऐसे गुड़गुड़ 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 करते हुए धीरे धीरे डालो। अरे रे, इनका तो सर फट जाएगा। ऐसी बीमारी में सर को कुछ नहीं होगा, ऐसा सर का कहना है। 210 क्या? 310 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबालकर मैं अभी लाता हूँ। क्या कहा? तेरा पुलिस वाला होने का क्या फायदा है, तुझे सब पहले ही कर देना चाहिए था। साहब यही कह रहे हैं तुझसे। ठीक कहा, सॉरी सर। अभी आपने ये बात कही ना, और ज्यादा इंतजार मत करो, तुरंत गर्म पानी करके मेरे सर पर डालो, सर कह रहे हैं। अरे सर अभी लाके डालता हूँ। तो किस इरादे से यहाँ आया है, सच सच बता, वरना यही तेरी लाश बिछा दूंगा मैं। सच सच बताओ, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? खौलता पानी आने से पहले सच सच बता दिया तो तेरी जान बच सकती है। बता बता बता, तुझे कौन यहाँ लाया? हेलो हेलो, वो लड़का अपने कमरे में नजर नहीं आ रहा है। कम ऑन कमीने, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। आप उसे पकड़ के रखिएगा, मैं उस पे पानी डालूंगा। वो लोग चले गए क्या? अरे उन्हें छोड़िए, पहले इसे पकड़िए, हमें इलाज करना है। सर आप ठीक से खड़े हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस इलाज से ठीक हो जाएगी। डालो। मालिक मैं हूं मुत्तू, मालिक मेरी जान बचा लो। क्यों रे, तुमने कोई लफड़ा किया क्या? कोई 2-3 लोग यहाँ आए थे, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है, मुझे डर लग रहा है मालिक। तुझे जो काम सौंपा गया है उसका क्या? मैं आज रात किसी भी सूरत में कर दूंगा। सब काम ढंग से होना चाहिए, मेरे आदमी बंगले के आसपास ही रहेंगे, काम को अंजाम दिए बगैर अगर तू आए ना तो तेरे बीवी बच्चे जिंदा नहीं मिलेंगे। अरे उन्हें कुछ मत करना मालिक। हे भगवान, मैंने कोई पाप नहीं किया है तो फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? मैं अब क्या करूं भगवान? क्यों जी, यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या रवि? देखो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। कम ऑन। नशा है प्यार का, क्या करूं बोल, दिल बेकरार का, मेरे दिल रुबा, बाहों में आ जा जाना, ओ जाने जा, तुझको खुदा है माना, हुस्न में तेरे नशा है प्यार का, क्या करूं बोल, दिल बेकरार।
फंसने दी। जब चाहे चली आती हो, किसका घर समझ रखा है? सॉरी मैडम, ये आपका हस्बैंड नहीं है। क्यों बे? ये आपके साथ चीटिंग कर रहा है। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मुकुंद और उसका भाई मिलकर आपको फंसा रहे। तुम मेरे ही घर में आकर मेरे पति के खिलाफ बोल रही है। तुम्हारी मदद के लिए आई थी, जो मिला काफी है। मुन्ना, यह है मैडम आपका पति रविंद्रम, और ये तमिल लॉरी ड्राइवर मुत्तू है। वक्त रहते इज्जत बच गई, यही गनीमत है। वरना हर हालत में छलांग लगाने की कोशिश करना इस मुत्तू की पुरानी आदत है। श्रीदेवी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। I'm totally confused. तभी ये सब क्या है? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। I'm extremely sorry, इंदु। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वाह, कुछ हिंदी फिल्मों में मैंने ये सीन देखा है। अब चाहे कुछ भी हो, ये सब गड़बड़ साहब के पिताजी ने की है। और तुम? हाँ, मुझे माफ कर दो साहब। कौन है तुम, बताओ? मैं सिंगारा मुत्तू, मैं दारू की गाड़ी चलाता हूँ। तुझे यहाँ किसने भेजा? मैं नहीं जानता। सच सच बताओ, बता। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। इसे तो मैं बताता हूँ, सच्चाई से अगलवाता हूँ मैं। बोल तो कौन है? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच। तुझे कुछ पता नहीं? पता पता, इस मुन्ना के सामने तेरी कोई नौटंकी चलने वाली नहीं। अरे तुझसे बड़ा नौटंकीबाज तो मैं हूँ, बता बहुत जल्दी। बता तू कौन है? बोल जल्दी, बता मुझे, बता बता, वरना मैं तुझे मार मार के तेरी वो हालत करूंगा कि तुझे कोई पहचानेगा नहीं। बता बोल तू कौन है? बोल साहब जल्दी, बोल कौन है? सुरेश, अरे डू इट। बोल, सर आप इस वक्त यहाँ आए, बहुत अच्छा किया। सर मेरे हस्बैंड लौट आए हैं, मैं जिससे रवि समझ रही थी वो एक फ्रॉड है सर। इससे बड़ा फ्रॉड तुमने डिपार्टमेंट के साथ किया है। मैंने क्या फ्रॉड किया सर? वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। बाय द वे, ये लड़की कौन है? इंदु। क्या करती हो? फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानती हो? हमारे ऑफिसर चोटी की फ्रेंड है, उसी ने मुझे इससे मिलवाया था। सर आप इतनी रात गए? डिपार्टमेंट के साथ कुछ धोखाधड़ी की खबर मिली है, उसी की तहकीकात के लिए आया हूँ। ऐसी क्या बात हो गई? अरे वाह रे, 100-100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे पुलिस यूनिफॉर्म के आर्ट ये करने के बाद भी कितना अनजान बनती है। मान गए साहब आपके डिपार्टमेंट को। यूनिफॉर्म इसको पहनाकर पूरे शहर में डकैती करने के लिए छोड़ रखा है इसने, ये तो जाहिर हो गया है। जो कुछ कहना है खुल के कहो। अरे तो क्या खोल के नंगा? मैं बोलूंगा तो ज्यादा ही खुल जाएगा। सर आप ही बताइए, तुम्हारे नाम से जिसने पूरे शहर में लूट मचा रखी है, ये वही लड़की है? रास्कल, यू चीट। बस करो, बहुत हो गया। हिडिंग बिडिंग चिंग। अरे ये तो उसे लेकर गायब हो गया। अरे सामान बहुत ज्यादा है, जितना हो सकता है ले लो, बाकी छोड़ दो। रामेंद्र तुम भी कहीं जाकर छुप जाओ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जाओ। रुको रुको रुको, सभी नहीं जाएंगे, मैं और ही साथ में जाएंगे। चलो देखो बड़ी माँ, लोगों को यही रहने दो, सिर्फ तुम ही जा सकती हो। ठीक है, तुम लोग सब यही रुको, मैं जाके बात करता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ठीक है चल। बाबू भाई नहीं आए अभी तक? बाबू भाई आ जाएंगे। अरे मर गए बड़ी अम्मा। छुप कर भागने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं सब जान गई हूँ। हमें बताए बगैर तुम लोगों ने चोर की तरह जाने का इरादा कैसे कर लिया? हमारे आदर और सत्कार करने में कमियां जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं ना? सच कहूँ बड़ी माँ, ये सब हमने अपने स्वार्थ के लिए किया था, तुम्हारी मदद करना, तुम्हारा साथ देना। पुलिस, ये भगवान पुलिस। अरे अंकल अब हम क्या करें? हम सब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं।
बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहो तो हमें बचा सकते हो या फिर पुलिस के हवाले कर सकते हो। चलो चलो मेरे साथ चलो। रुको रुको रुको, जब तक हमारे शरीर में जान में जान है तब तक पुलिस कॉलोनी में कदम नहीं रह सकती। बड़ी माँ रास्ते से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। नहीं, हम में से कोई नहीं हटेगा। बड़ी माँ हटने में ही भलाई है, वरना ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। नहीं, मौत भी आ जाए तो भी हम नहीं हटेंगे। एक क्रिमिनल परिवार को तुमने कॉलोनी में छुपा रखा है, हमारी मौत के बाद ही तुम उन्हें ले जा सकते हो। हटाओ इन सबको यहाँ से। यस मैडम। नहीं हटेंगे हम, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। चलो जल्दी। मारो सबको, हटाओ हटाओ। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हटो हटो, पीछे हट जाओ, हट जाओ मैंने कहा। जल्दी आओ, जल्दी चल, जल्दी कर, जल्दी। देखो पीछे जाओ, देखो धक्का मत मारो, पीछे मारो। अरे हटो भाई, पीछे पांव दबा रहा है, हटो। अरे ध्यान से अंकल, अंकल अंकल संभाल के, संभाल के, आइए आइए। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। पार्वती बाई चौधराइन मेरी माँ है। मेरे सपनों की रानी बनकर मेरी जिंदगी तो क्या मेरे इमोशन से खेलकर चली गई। तू मेरे हाथ आ गया तो समझो आधा प्रमोशन तो हाथ लगी गया। साहब क्या हुआ? साहब 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 वो चला गया है? वो चला गया। क्या मैं? नहीं वो मैं नहीं वो। चलो कोई भी कुत्ता मिले उसे तुरंत अरेस्ट करो। क्या? किस रास्ते पर गया था वो? किसी भी रास्ते से जा सकता है, वो एक जादूगर है। सर वो देखो भैंसा। भैंसा? हाँ, चार भैंसा है साहब। अब हाथ में आ जाएंगे, मौका नहीं गंवाना चाहिए। चलो पकड़ो, कम ऑन। अरे मुझे पकड़ो। देखा कैसे अनजान बन के बबल गम चबाते हुए खड़े हैं। अबे माया जाल वाले तू है क्या? बहुत बड़े भैंसे जादूगर हो, तुझे प्रोफेसर की नौकरी दिलाऊं क्या? मुझे चिढ़ा रहा है सर। ये वही है, इसका पिछवाड़ा नहीं देखा क्या? अबे भैंसे सर। अबे तुझे नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं, हमें भैंसा समझने की कोशिश मत करना। तेरा ये इंद्रजाल मेरे जूते पर रास्कल। इन चारों भैंसों को अरेस्ट करके कस्टडी में ले लो। चलो ले चलो ले चलो चार को। चलो चलो। बाबू भाई कहाँ हैं? इन्हें छोड़ो, फिलहाल यहाँ से बच के निकलो। जरा संभाल के चलो, चलो पकड़ ही लिया ना, अब इस रस्सी से छुटकारा नहीं मिलेगा। पुलिस से बचते हुए हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। फिलहाल पुलिस से बचने के लिए छुपने का इंतजाम करना होगा, यही ना? मेरा एक दोस्त है, वैसे तो वो बेकार है लेकिन उसकी कमजोरी को हमने पकड़ लिया तो वो हमारे काम आ सकता है। दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले लेकिन मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। मेरे बारे में आपको सब बता दिया होगा इसने। इसके कहने के मुताबिक मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। वैसे जैसे बच्ची ने कहा कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, सभी लोग भी यही बोलते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सर बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो जैसे दिखते हैं ना। हाँ, हाँ, शक्ति कपूर जैसा है ना पिताजी। हाँ, 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 हाँ,
अरे जरा बाहर जाकर देखो। मैं और नहीं तो क्या, मैं जाकर देखूं। सर तो बिल्कुल एक्शन हीरो जैसे दिखते हैं, तुम क्यों जाओगे भला? मैं जाता हूँ। ये हुई ना बात, अभी अपनी जवानी का कर्तव्य दिखाएंगे। मैं अभी अंदर जाके उन्हें पकड़ के लाता हूँ। ऐसा करेंगे तो उसका बाप पीछे आ जाएगा। देखने में ये बिल्कुल कलेक्टर लगता है। ए बेवकूफ, कहाँ जा रहा है, वहीं रुक जा। तेरा नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है। मेरा नाम मलयाली। लग रहा है। नमस्ते सर। ओ, तो तुम बात भी कर सकते हो। तू नया नया ऐसा ही हो ना। मैं भी एक आई तू कमिश्नर था, ये भी बोल दे। लात लात खेल रहे हो क्या सर? अबे इधर नहीं, पीछे बैठ। अरे पीछे भी सीट है क्या? चलो ठीक है, इधर ही बैठ जाऊंगा। इधर ही बैठ जा। बैठ जाऊंगा, चलो सरकारी गाड़ी में भी यात्रा कर लेते हैं। ये क्या बेवकूफी करता है, बार बार पैर पकड़ता रहता है यार तू। अरे पेशाब लगी है, कम से कम वो तो करने दो। कर लेना। अरे स्टेशन पे क्या, यहाँ लगे यही करने दो ना। मजाक कर रहा है, चल चल चुपचाप जीप में बैठ जा। इसकी कहानी खत्म हो गई। सही चलो चुप जाओ। क्रिमिनल लोगों के हमदर्द पत्रकार होना, नामचीन पत्रकार होने का दिखावा करता है। मैडम ये सफारी सूट, ये पेन, जो भी लगा रखा है सब दिखावा है मैडम। गणेश बीड़ी को 555 के पैकेट में रखने जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैडम तुम्ही से तुम्हारा नाम पूछ रही है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गया हूँ मेरा नाम क्या है। मतलब मैत्रे करके अपना नाम बतलाया था मैडम। मैं तुम्हारा असली नाम मैत्रे है, मैं जानती हूँ, फिर भी मैंने तुमसे पूछ लिया। पेपर में जो सच्चाई लिखते हो वो तुम ही लिखते हो ना? वो येलो पेज कह के सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ के बड़े पेपर वाले जितना झूठ लिखते हैं उतना झूठ मैं नहीं लिखता। बिन पेंदी की लोटे जैसा लुढ़कने वाला एक महान आइटम है ये। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है ना मैत्रे? जी हाँ, लेकिन इस आदमी को पुलिस में किसने भर्ती किया? इसने मुझे भगा भगा कर पकड़ा मैडम। मैंने क्या गुनाह किया है? तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज से कई साल पहले यहाँ के क्रिमिनल और ईमानदार लोगों में जो जंग छिड़ी थी उसके कुछ लेख तुम्हारे पास होंगे। इसके साथ पुराने हमले का भी वर्षों पहले प्रभाकर वर्मा सेठ, पार्वतीबाई सेठानी के खून के सिलसिले में नक्सलवादी का कोई हाथ नहीं था, ये लिखा गया था। क्या ये सच है? सुनी सुनाई बातों को अपनी तरफ से लिख दिया होगा। अरे बेवकूफ जैसी बात मत करो। मैडम पहले इसको बाहर निकालो, तभी मैं सच्चाई बताऊंगा। डोंट डिस्टर्ब हिम मैडम। कम ऑन माय फ्रेंड, बताओ। बहुत दिन पहले मैंने रिसर्च किया था मैडम, और मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ। प्रभाकर बाई सेठ और पार्वती बाई सेठानी को नक्सलवादियों ने नहीं मारा, वो इल्जाम दूसरों पर डालकर असली मुजरिम आज भी बचे हुए। और कुछ ही दिन पहले वर्गीस को जंगल में ले जाकर कोई कट्टा चल बे कांस्टेबल रामेंद्र नायर ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसी तरह मैंने भी अपनी आंखों से सच्चाई देखा है, इसीलिए उसके तह तक जाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये पागल है, इसके कहने के मुताबिक कार्यवाही की तो हम लोग फंस सकते हैं मैडम। नो मैडम, मिस्टर मैत्रे के बातों में मुझे कुछ सच्चाई दिख रही है। मिस्टर मुकुंदन के घर में डाका डालना, फिर उसके लड़के को उठा ले जाना, ये सारी बातें फिलहाल मुझे एक नक्सलवादियों से जुड़ा मामला लगता है। देखो अगर कहीं तुम्हारे पास इस केस के विषय में जो भी सबूत है मुझे चाहिए, इतना ही नहीं और जानकारी हासिल करने में भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं तो मैडम तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उसके साथ तुम्हें चोरी का माल भी पकड़वाना होगा। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको पहले बाहर निकालो। ऐसी बात है तो हमें एक आदमी से मिलना होगा। मुझे कभी उस जगह पे देख लिया तो मुझे मारने की धमकी दिया है, लेकिन मैडम अगर आप साथ में रही तो मैं चलूंगा। कौन है वो? रिटायर्ड डीआईजी महादेव साहब। निकल यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कदम मत रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा मत कहो, इज्जत से नहीं जाएगा तो ये डंडा बोलेगा, समझा? हाथ पैर तोड़वाने से पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। सच्चाई तक पहुँचने के लिए चार गाली के साथ साथ चार डंडे भी खाने पड़ते हैं। ये तेरे जैसे पत्रकारों का काम है, मैं एक पुलिस वाला हूँ समझा, लाठी चलाना जानता हूँ। पुलिस वाले हो तो उसका मतलब जानते हो तुम?
मदारी के हाथ में जिस तरह से बंदर नाचता है उसी तरह से यहाँ के पैसे वालों के हाथ में पूरी पुलिस डिपार्टमेंट नाचती है। उनकी खिलाफत मत करना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, चेहरा देखे बगैर ही लोगों को पहचान लेने का आत्मविश्वास मुझ में है। जैसा आप पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं, सभी वैसे नहीं होते। ओह, श्रीदेवी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, प्रभाकर सेठ और पार्वती बाई सेठानी के मौत के बारे में कुछ जानना चाहती हो ना? हाँ, अगर आपसे थोड़ी सी भी सच्चाई पता चल जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल सर। जी हाँ सर। सचमुच में क्या वो खून नक्सलवादियों ने किया था? नहीं, पूरी प्लानिंग से किया गया खून था, बाद में नक्सलियों ने किया, ऐसा रूप दे दिया गया। मैंने जो लिखा था वो सब कुछ सही, अब तो यकीन हो गया ना? प्रेस चलाने के लिए जिस तरह की हिम्मत चाहिए, इस आदमी के अंदर वो हिम्मत नहीं है। इसकी बात का यकीन मत करो। सर आप मुझे और कमजोर मत बनाइए। अपनी बोलती बंद करो। 1966 में जो बदलाव लाया गया वो नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ जितना भी खून खराबा हुआ नक्सलवादियों पर थोप दिया गया। उसे प्रभाकर सेठ और उनकी पत्नी का खून भी उसी खून में से एक था। प्रभाकर सेठ और उनकी पत्नी के खून के इल्जाम में एक पत्रकार को सजा हो गई। तुम्हें पता है वो बेचारा पत्रकार पूरी तरह से निर्दोष है। उसने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जिसकी सजा वो भुगत रहा है। क्या ये बात तुम्हें मालूम नहीं? मैंने इंक्वायरी की है सर, एक वासु नाम का मजदूर प्रभाकर सेठ के बगीचे की रखवाली करने वाला एक ईमानदार आदमी था। पता है वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसलिए सारे इल्जाम उसके ऊपर थोप कर उसे सजा दी गई। For what? To protect somebody. कमिश्नर और नेताओं और बड़े बड़े लोगों से रिश्ता रखने वालों के तो कितने बड़े होटल और पैलेस होते हैं, जरा इसकी हैसियत तो देखो। बकवास मत करो। बकवास करने से सच्चाई नहीं छिपती, समझ ले बेटे, तू कमिश्नर का आदमी बन गया है। मेरे कहने का मतलब हम जाएंगे। तो फिर चलते हैं ना सर। बाय। सॉरी सर। खैर बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन तुमने एक काम अच्छा किया कि हमें क्रिमिनल तक पहुंचा दिया। ऐसा है तो उन्हें उठा क्यों नहीं लेते, यही कहना चाह रहे हो? नहीं ये बात नहीं। तो तुम तो साइन करने के लायक भी नहीं है, जाओ घास काटो। बिल्कुल सही कह रहा है ना साहब। सॉरी सर। ठीक है। क्या इस थैली में? दूसरी पार्टी ने तुम्हें एडवांस दिया होगा, ये तो हमारे साथ धोखा है। तुम्हारी जवान लड़कियां हैं, कम से कम उनका सोचो। दादागिरी मत दिखाना, पहले ही बार मिला हूं, फिर भी मुझे उन बच्चों की फिक्र तुमसे ज्यादा है। ये देख, उनके लिए खाना लाया हूं, रोटी और चिकन। बालू तू सब संभाल लेगा ना? दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से एक भी चलेगी, वरना इस जन्म में मेरी शादी नहीं हो पाएगी। सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे रुक, 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 रुक। ये बता तुझे पुलिस क्यों ढूंढती हुई आई थी और तुझे लेके क्यों गई? पुलिस मुझे पकड़ेगी? मुझे पकड़ते हैं कोई जानकारी हासिल करने के लिए। यही तो है क्रिमिनल के खिलाफ लिखने वाले पेपर का वजन, वो लड़कियां का है। कहा है उन लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? पागल कहीं का। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। पिताजी पुलिस हो सकती है। अरे परेशान मत हो तुम लोग, मैं हूं ना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई? पुलिस वुलिस कुछ नहीं, बेकार में डर गए हम लोग। कभी भी किसी वक्त हम पुलिस का शिकार बन सकते हैं, इसलिए हमें अपने साये से भी डर लगता है। वो हम सब के लिए खाना लेकर आया था। हम लोग अंजाम तक पहुंचेंगे या नहीं? मुझे यकीन है वो हमें धोखा नहीं देगा। आज के दिन अगर कोई विश्वास के लायक नहीं है तो वो पत्रकार। इसके बारे में मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ, ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं, लेकिन बातचीत में थोड़ा अटपटा जरूर है। वो हम मैनेज कर लेंगे। हाँ तो फिर चलो, हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। बासु, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। मुझसे मिलने? इनसे मिलिए मैडम, ये है मिस्टर बासु। दो तीन दिनों के बाद इनकी सजा खत्म हो जाएगी। मेरा नाम श्रीदेवी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ। क्या? नेक्स्ट स्लाइड के बारे में? मैं ये लाइन छोड़ चुका हूँ, अब तो बाकी का जीवन भगवान पर समर्पित है। धर्म के बारे में अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो है ईश्वर, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। प्रभाकर वर्मा सेठ और पार्वती बाई सेठानी के खून के बारे में तुमसे कुछ जानना चाहती हूं। उनके खून के इल्जाम में मैं उम्र कैद की सजा भुगत रहा हूं। इनकेस अगर तुम सच जान लो तो क्या करोगी मेरे लिए?
मेरे गुजरे हुए पल वापस लौटा सकती हो या फिर मेरे 14 साल वापस लौटा दो। तुम नहीं लौटा सकती, कुछ नहीं कर सकती तुम। प्लीज यू मे गो। वैसे मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिनके नाम की सजा काट रहे हो वहाँ एक ईमानदार रखवाले थे ना, तुम्हारे मालिक के बच्चों के बारे में तुम कुछ जानते हो? मैं जब भी उस घर में जाता था तब मेरी गोद में खेलने वाले उनके छोटे छोटे बच्चे थे। काश अगर आज वो जिंदा है तो उस खूनी के सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे। बेगुनाह होकर भी तुम सजा भुगत रहे हो इसका मुझे अफसोस है, लेकिन असली गुनेगार को ढूंढना और उसे सजा दिलाना यही मेरा मकसद है। जेल से छूटने के बाद आप चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन मुझसे मिलने एक बार जरूर आना। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि मुझे क्या करना है, जब करूंगा तो बता दूंगा। एनीवे विश यू ऑल द बेस्ट। पैसा देना मैं जानता हूँ तो पैसा वसूल करना भी जानता हूँ, वो भी सूद के समेत। बोल अब क्या बोलता है? एक हफ्ते का समय दे दो। हाँ, एक हफ्ते के अंदर अगर ब्याज के साथ पैसा नहीं लौटाया तो तेरा और तेरे दुकान का क्या हाल करूंगा तू देखेगा कमीने। भाई दूसरी पार्टी उधर है। भेलपुरी गुलाब जामुन मुंबई में मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा, हम कोशिश करते हैं। जहाँ मिलेगा यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। बेटा तू भाग जा यहाँ से। क्या हुआ? बच्ची को मुकुंदन के लोग उठा ले गए हैं। वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। किसी भी तरह उसे बचाना होगा। मुन्ना तुम तुरंत जाओ। कांच की चूड़िया, कंगन, बिंदिया, जो भी उन्हें चाहिए मैंने खरीद लिया। दोनों की मनपसंद चीज लो। अरे ये सब क्या? गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? गैस हो जाएगा। क्या कहा? गैस हो जाएगा? ये सब क्या हो रहा है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तू चल। तबीयत ठीक नहीं है? कमिश्नर मुझसे मिलने आई हैं। आइए कमिश्नर जी। आप यहाँ पे कहाँ है? बोलो कहाँ? बताना नहीं, अंदर है ना। कैश दे। अरे राजकुमारी।
मालकिन, मालकिन। कौन है? मालकिन। क्या हुआ? क्या बात है? मम्मी को कुछ मत करो। मम्मी। इन दोनों को बांध के खत्म कर डालो। हमारे खिलाफ कोई भी जहर का काटा जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाग जाओ बच्चों, उस तरफ भाग जाओ, भाग जाओ। उस तरफ गए, चल देखते हैं। मेरे बच्चों, अंकल, मेरी मम्मी। आवाज मत करो। अगर वो मिलेंगे तो छोड़ना मत। उस दिन रात को उनकी नजरों से बचते बचते इन बच्चों और अपने लड़के के साथ आधी रात को नदी पार कर हम बचने में कामयाब रहे। मैंने इन्हें प्यार से नहीं, नफरत का जहर पिलाकर पाला है। इस दुनिया में इनसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, मेरी बच्चियां ना होने के बाद भी। लेकिन अब मैं इन्हें नहीं रोक सकता। वो अपनी जान देकर भी बदला जरूर लेंगी। गुनहगार कोई भी हो, उन्हें हम सजा देंगे। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। कानून किताबों में लिखी एक महान शब्द, लेकिन आज उसकी क्या अहमियत है? तुम्हारे हस्बैंड को वो लोग उठा कर ले गए थे। तुम्हारा ये कानून उन लोगों को कोई सजा दिला पाई? बोलो, दिला पाई सजा? मैं इनकार नहीं करती। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते कानून के हाथों मजबूर हूँ। मेरी खामोशी पर गौर करोगे तो शायद तुम मुझे समझ सकोगे। पता कमीनी, मेरा लड़का कहाँ है? कमिश्नर के घर फाइल किसने पहुंचाई थी? बता, बता। तो तू अपना जुबान नहीं खोलेगी? तू अपना मुंह कैसे खोलेगी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी दीदी है ना, उसकी एक टांग पकड़ के दूसरी टांग चीर के चौराहे पे नहीं टांग दिया तो मेरा नाम। अभी तो तुम्हारे गले में सिर्फ फांसी का फंदा डाला है। मेरा नाम चित्रगुप्त है, मैं जिंदगी का हिसाब रखता हूँ। कब किसे कहाँ मरना है इसका फैसला तो काल करेगा, मैं नहीं करूँगा। यानी तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो काल है। हाँ, मैं हूँ तुम्हारी काल। मरने से पहले मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, समझे? उसके बाद ही तुम मरोगे। पढ़ाई लिखाई का एक अक्षर भी नहीं जानने वाला एक शराबी मालिक की जिस थाली में खाता था उसी थाली में छेद करने वाला नमक हराम निकला। वो 15 साल पहले मजबूर होकर उस नमक हराम को सबक सिखाना जरूरी था। क्या हुआ, कुछ याद आया? छोटी मालकिन, मैं तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों में लिए बदले की भावना के साथ जी रही थी इसी दिन के इंतजार में। मुझे मत मारो तुम। इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट कर तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। मालिक को मैंने नहीं मारा। मुझे मत मारो। मालिक को मैंने नहीं मारा। मैंने एक को मारोगे तो दूसरे को तकलीफ होगी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बिना किस्मत का ये खाकी कपड़ा और बागीचे की रखवाली करके मैं थक चुका हूँ। नेशनल लेवल पर नाम शोहरत हासिल करने के लिए पैसा चाहिए। साथ में चलेंगे तो हम आकाश को छू सकते हैं। मालिक की सारी प्रॉपर्टी मालिक के बेंगलोर जाने से पहले ही अपना लेना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे डर सा लग रहा है। डरो मत, समझ लो खून तुमने नहीं किया है। खून तो उनके ही बागीचे में रखवाली करने वाला बासू जो एक नक्सलवादी है उसने किया है। केस मैं उस पर करूंगा। इसका फायदा हमारा साथ देने वाले नेता और पुलिस को भी होगा, तो फिर डर किस बात का? रोज उसे दवाई पिलाई जाती है, उसी के साथ जहर दे देंगे और फिर उसका सर काट देंगे। उसका सर काटेंगे तो ही हम ये नक्सलाइटों पे थोप सकते हैं। सर तो हम काटेंगे ही,
लेकिन इल्जाम हम पर नहीं आएगा। धोखेबाज गद्दारों का दुश्मन है मालिक, इसलिए जहर देने के बाद उसका सर काटेंगे, उसके खून में हाथ डुबाकर एक कहानी लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के इतिहास में एक पन्ना और जुड़ जाएगा। मुकुंद, मान गए मुकुंद, जानता है मेरा समय हो गया है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मेरे मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, शराब पीने की बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो पार्वती से ज्यादा ख्याल मुकुंद मेरा तुम रखते हो। पार्वती भी कभी ये बात कहती है। 71 में इंदिरा गांधी जी एक कानून लाई थी, उसे मेरे डैडी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत सारी जायदाद हाथ से चली गई, देखते देखते बहुत कुछ चला गया। बैंगलोर में अच्छी जगह मिल जाएगी, ये पार्वती का कहना है। क्यों रे, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक। मैं तुम लोगों को छोड़कर बैंगलोर जा रहा हूं, ये सोच रहे हो? खुशी से मुझे बैंगलोर रवाना करो। ऐसा मत सोचो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग सकते हो। समझ लो, मैं यहाँ से कोई भी सामान ले जाने वाला नहीं हूँ। बाहर का बागीचा और 100 एकड़ जमीन तेरे और राघव के नाम पर कर दिया। तुमने शायद इसमें कुछ मिलाया है क्या? मुझे जोर की जलन हो रही है। क्या तुमने कुछ कहते क्यों नहीं? जवाब दो मुकुंद। हाँ, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, क्योंकि मुकुंद ने तुम्हारे शराब में जहर मिलाया था। मुकुंद, तुमने तुम लोगों को क्या चाहिए? मुझे मार कर तुम लोगों को क्या मिलेगा? बहुत कुछ, बहुत कुछ मिलेगा मालिक। अरे गद्दार, मेरे मालिक को तूने मार दिया और अब तुझे भी मार दूंगा। चलो, जो नहीं होना था वो हो गया। मुझे मत मारो। जो भी उनके दरवाजे पर जाता था वो उसे दिल खोलकर जो भी उसे चाहिए होता था वो उसे देते थे। ऐसे दानी और महान थे वो। तुम लोगों ने ऐसे देवता जैसे इंसान को इसके लिए मैं कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। शेर का कलेजा रखने वाले क्षत्रिय के घर में जन्मी बेटी हूँ मैं। मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिले इसके लिए सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर उसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार डालूं तुझे। Stop it! छोड़ दो। Don't try to kill him. Just leave him alone. नहीं, मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। अगर ये गुनहगार है तो कानून इन्हें सजा जरूर देगी। नहीं, आज से 15 साल पहले जब मेरे माँ बाप की जान ली गई थी तुम्हारे कानून ने भी इन्हीं का साथ दिया था और हमारी बेबसी का तमाशा देखा था। नहीं, गुनहगारों का साथ देने वाले कानून पर मुझे कोई भरोसा नहीं। क्यों बे साले, फिर से जादू दिखाएगा क्या? मुझे दिखाना है तो दिखा तो जरा। तुमको देखना है तो आराम से जादू देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो फिर से हमें उल्लू बनाकर चला गया। चलो, पुलिस वालों को बहुत बेवकूफ बना दिया तूने। अब हमें तो बेवकूफ नहीं बना सकता। चल 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 चल।
कुछ भी हो, मुख्यमंत्री राघवन ने एनुअल डे में कमिश्नर को जो इज्जत दी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नागालैंड टाइगर हिल हमारा अगला हनीमून ट्रिप है ना, बताओ। क्या मेरा ये ट्रांसफर ऑर्डर मुझे पहली बार मिल रहा है? कुछ भी हो, यहाँ से रिलीव होने में अभी एक हफ्ता बाकी है और वो एक हफ्ता मेरी जिंदगी का अहम होगा। कुछ भी हो जाए, मैं उन मुजरिमों को नहीं छोड़ूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो? हमारे जैसे लोग कानून पर अपने आप को कुर्बान करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मैं और तुम कितना भी अच्छा काम करने जाएंगे, हमारी कोई कदर नहीं होगी। ये तो छोड़ो, तुम्हारे नाम पर लूट मचाने वाले सिंधु और उसकी फैमिली को खा करने के लिए वो तुम्हारे जरिए गुंडे इस्तेमाल करेंगे, ये बात तुम देख लेना। इसीलिए तुम उन लोगों को जेल में डालकर ही सुरक्षित रख सकती हो। इसी डर से वो बार बार जगह बदलते रहते हैं। तुम्हें उन्हें बचाना पड़ेगा श्रीदेवी। कानून के मुताबिक उनकी सारी सुरक्षा का इंतजाम उन्हें ही दूंगी। देखती जाओ। अरे चीफ मिनिस्टर आ रहे सरोजानंद जी से मिलने के लिए। मंत्रिमंडल में सभी लोगों की सर्वसम्मति से आश्रम के उद्धार के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। तुम नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी, ड्यूटी है मेरे लिए। यस कमिश्नर स्पीकिंग। व्हाट? ठीक है, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। शिट, क्या हुआ? इंदु और उसका परिवार जेल से भाग गए। कफन को सर पर बांध कर निकले हुए वो योद्धा है, उन्हें तुम दुनिया की किसी भी लॉकअप या जेल में डालकर रोक नहीं सकती। अरे रोको 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 रोको। ये क्या नाटक है, देख नहीं रहे? गाड़ी में सीएम बैठे हैं, क्या बात है? क्या बात है, मैं समझाता हूँ। पहले बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। वो लोग जेल से भाग चुके हैं, पता है, लेकिन मेरे साथ तो पुलिस है। अरे पुलिस हो या मिलिट्री, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ ये बिल्कुल सच है, वो लोग जादूगर है, किसी भी वक्त वो लोग भेष बदल सकते हैं। अरे उसने मेरे मुंह से सारी सच्चाई उगलवा लिया है, उनके निशाने पे सबसे पहले तू ही है। तेरे डिपार्टमेंट की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, सबको लाइन से गोली मार दो। सर आप बेफिक्र रहिए, एक घंटे के अंदर वो सब हमारे कब्जे में। सर आपका एक भी बाल बांका ना हो इसके लिए हमने सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम किया है। ये वही है। कौन? उसी के ग्रुप वाले। अरे वो तो भैंस है, लगता है ये पागल हो गया। देखो कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चलो बैठो, चलो बैठो। हाँ, हाँ। तुम पीछे हटो। नमस्ते, नमस्ते। आश्रम में आपका स्वागत है। अरे मंत्री जी, उसे अच्छी तरह समझा दो। जी सर। ओके सर। संभल के। अरे थोड़ा रुक जाओ यार। क्यों? ये लात खाने से कोई फायदा होने वाला है क्या? मेरा कोई भी काम माँ के पैरों से ही सफल हुआ है। हे भगवान, मैं तो लात नहीं खाऊंगा, तू खाएगा क्या गोविंदा? मुझे नहीं खाना है। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ना? अमे महामाई। माँ नहीं है ये। तो कौन है? स्वामी। ओहो, स्वामी। स्वामी स्वामी तुम्हारे पीछे चलिए आ जाओ। साथ में ये नया भक्त कौन है?
आपने सुना होगा ये मुकुंद है, पास में ही रहता है, नामचीन भी है और प्रसिद्ध भी। शैतानी दिमाग चल रहा है, इसका नक्षत्र बहुत खराब है। आपके आशीर्वाद से सारे खराब नक्षत्र दूर होना चाहिए, मेरी जिंदगी में कोई खतरा नहीं चाहिए। वो सिर्फ इस माँ के हाथ में नहीं है, परमेश्वर का ध्यान करो, सब उसके हाथ में है। शिवजी, शिवजी, अम्बे महामाई। चला बुढ़ जा। हाँ, हाँ। बैठ जाओ। हाँ, हाँ। बहुत सावधानी से करने होंगे, मेरा मैजिक भी हर वक्त मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए तुम सबको चौकन्ना रहना होगा मेरे बच्चों। ध्यान रहे। हे भगवान, सारी की सारी पुलिस फौज यही है। साधु लोग सब निकल जाओ। ए ए दाढ़ी वाले इधर आ। ए स्वामी लोग सब जाओ। बम बम तो साथ में नहीं रखा है ना? नहीं है। गलत जगह में हाथ लग गया, जाओ जाओ। ए ये तो देता जा। लोगों को इंसाफ दिलाना मेरा काम है, लेकिन मैंने तो उनको अपने घर में पनाह देकर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इस वक्त अगर वो लोग देख लेंगे तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। कुछ भी हो जाए हमें बच्चों को बचाना होगा, इस समय हमारे लिए यही जरूरी है। मैत्री साहब आपके बिना ये नहीं हो सकता। सचमुच स्वामी। गाड़ी आगे बढ़ाओ। ओ जाओ। प्रणाम। हरिओम। अरे क्रिमिनल। अरे मेरी माँ। उन धोखेबाजों से जेल में मारने से पहले जैसे तुमने उन्हें बचाया उसी तरह। अरे वो लोग आ रहे हैं। ए रुक जा रुक जा। रे रुक रुक रुक। नकली साधु बन के बचने की कोशिश कर रहा है, कारगिल में घुसा पाकिस्तानी टेररिस्ट है। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। बेटा क्या? बहुत दिनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। तू कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है? हरिओम हरिओम हरिओम। अभी तुझे सीधा कर। स्वामी जी प्लीज प्लीज पीछे हटिए प्लीज। नो सबको अरेस्ट करो। कब आओ? अरे खुद जाके पकड़ो। आजा आजा इसके आजा। छोड़ दो मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी आज। जल्दी आओ सिर, जल्दी आओ। पापियों, मेरे खानदान को खत्म करने वाले कमीनों, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तो छोड़ दो, समझने की कोशिश करो। छोड़ो, माफ़ मत करो। छोड़ो, इंदु रुक जाओ, इंदु। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे गोली मार दो। मेरे पापा को मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। डोंट शूट।
तुम जैसे धोखेबाज दगाबाज पॉलिटिशियंस के चेहरे से नकाब हटाने के लिए मुझे ये जिंदा चाहिए। श्रीदेवी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो जानती हो? यस, आई नो देम वेरी वेल। ये लोग खूनी हैं, इनकी सारी जन्म कुंडली मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे क्रिमिनल लोगों के पीछे चलने के लिए, इन जैसों को सैल्यूट मारने के लिए मुझ जैसे पुलिस वालों को शर्म आती है। स्टॉप, इमोशनल होने की जरूरत नहीं। हाँ कुनिकल वासु, तेरे जैसे कुछ क्रिमिनल लोग ही आज हमारे देश के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन गए हैं। तूने जिस खानदान को खत्म किया था, ये उसका आखिरी चिराग है। इसे गवाह बनाकर तुझसे हिसाब चुकाना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया है, इस बात की मुझे खुशी है। अब चाहे मुझे हत्यारा या चाहे नेक्स्ट लाइट, कुछ भी कह सकती हो। ये लो।